أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान हमारा ईमान में, नुसरत हारिस शेरी और हमारी पूरी टीम आपको खुश आमदेद कहते हैं। और आज का हमारा सब्जेक्ट, जल्दी से मैं उसकी तरफ मूव ऑन करूंगी क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमें करनी है। जितने भी हमारे पास आलम दीन इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं, वो हमें समझाते हैं कि कहाँ कहाँ अल्लाह ताला ने कौन कौन से रहम या कौन कौन सी नेमतें हमें अता की हैं। और साथ ही हमें समझाते हैं कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों से, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने से हम किस तरह अपनी बख्शिश
कोशिश करवा सकते हैं। कल मुफ्ती साहब ने शहरी बहुत अच्छी बात की थी कि मोमिन वो है जिसके हाथ से और जबान से दूसरा मुसलमान या दूसरा इंसान जो है वो महफूज रहे, और हम मेरे ख्याल में अगर हम लोग हैं तो एक एक नशिस्त में अगर हम बैठे हैं तो शायद हम एक दूसरे को इंसान समझते हैं, मुसलमान समझते हैं। जब हम उस नशिस्त से बाहर निकल जाते हैं और रोजमर्रा के मामलात और अपने माशरे में जो हमारी डीलिंग है उसमें हमारी मर्जी है, किसी को तो हम इंसान समझते हैं फिर मुसलमान समझते हैं, किसी को हम उस दायरे से बाहर भी निकाल देते हैं, लेकिन कहां कहां हमसे ज्यादती हो जाती है और किस किस ज्यादती को शायद इस महीने में हमारी थोड़ी सी अगर तरबियत कर दी जाए तो हम उसका ख्याल रखें और इसमें भी हमारे आमाल अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमारे आमाल अच्छे हो जाएं तो क्या ही बात है। शहरी से आपकी मुलाकात हो गई, शहरी आप क्या कहते हैं इस पे, और कुछ आज हमारा टॉपिक है माशरा, पुलिस और हम, आपका तो बहुत फेवरेट है ये, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से भी है जैसे कि आपने कहा कि लोग कहीं पर किसी को इंसान समझते हैं तो कहीं पर कुछ और समझने लगते हैं, और बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, क्या उसके नुकसानात हैं और इस्लाम उस पर क्या कहता है, आज हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे। जरूर डिस्कस करेंगे, और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। फौजिया तारिक साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे ख्याल में इनके इंट्रोडक्शन के बाद बहुत सी खवातीन व्यूवर्स जो इस वक्त हमें देख रही हैं वो कॉल करना चाहेंगी, तो आपको मौका मिलेगा, आप जरूर कॉल कीजिएगा, आप इनसे अपनी बात कीजिएगा। सीईओ है MCTS की और मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, आपके लिए थोड़ा सा आसान इस तरह से कर देते हैं कि इनकी जो कंपनी है MCTS ये पुलिस के साथ मिलके हम सबके हवाले से, इंसानियत के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं उसके बारे में आज ये एक्सप्लेन करेंगी, और हो सकता है कि जो सवाल आप इनसे करें वो बहुत बेहतर तरीके से आपको उसकी कोई आगाही दे सकें। आपको भी वेलकम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं, मुफ्ती सैयद ज़ैगम अली गर्देजी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं। और मुफ्ती साहब से आज हमने खुसूसी तौर पर पूछना है कि हमारे यहाँ की जो पुलिस होती है या हमारे यहाँ के जो अहलकार आपको सड़क पे नजर आते हैं उनकी कोई इज्जत है जो हमें करनी चाहिए, जो हमें हम मेरे ख्याल में एक तबका है जो इज्जत से, इज्जत तो क्या करेगा, डर की वजह से फॉलो कर लेता है, और एक तबका है वो कहता है भाई तुम ठीक है, तुमने मुझे ये कहा ना, मैं फोन लगाता हूँ और तुम्हारी बात कराता हूँ, किस थाने में तो तुम्हारा पेटी नंबर क्या है, पेटी नंबर क्या है, तुम्हारे अब्बू से तुम्हारी बात कराता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें आप मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं, आपने इसे आगे लेकर चलना है। हमारे नाथखा भी इस वक्त मौजूद है, नात हमें सुननी है मेरे ख्याल में, नात खा है हमारे फरीद अहमद खुर्शीदी साहब, और कुछ बात आगे बढ़ाने से पहले नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ते हैं। गम देखा जिक्र
आका का ये करम देखा, देखा जितना भी है मदीने को, देखा जितना मदीने को, ऐसा लगता है हम ने कम देखा, ऐसा लगता है हम ने कम देखा। और ये महफिले नात जो सजाते हैं, ये महफिले नात जो सजाते हैं, उनको खुशहाल दम बदम देखा, उनको खुशहाल दम बदम देखा। याद तैबा में सब तड़पते हैं, याद तड़पते हैं, सबकी आंखों को हम ने नम देखा, सबकी आंखों को हम ने नम देखा, जिक्रे आका का ये करम देखा। नात जब भी कमाल लिखी है, नात जब कमाल लिखी है, सजदा करते हुए कलम देखा, सजदा करते हुए कलम देखा। सुभान अल्लाह। और इस वक्त का हमारा टॉपिक माशरा, पुलिस और हम, और उस पर बहुत अच्छी बात करने के लिए शहरी मौजूद हैं, इनका तो ये डिपार्टमेंट रहा है। जी बिल्कुल, डिपार्टमेंट भी रहा है और फौजी तारे भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने तो वैसे नुसरत काफी काम किया है और कहीं पुलिस डिपार्टमेंट को मैंने अच्छा देखा तो कहीं बुरा देखा, और हर डिपार्टमेंट में कोताहियां होती हैं। तो पहले अगर हम फौजिया तारिक से पूछ लें कि पूछ बड़ा काम किया पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, और आपने पुलिस डिपार्टमेंट को क्या पाया? काफी मुश्किल सवाल है ये, लेकिन आपने भी शहरी की तरह सच ही बोलना है, लेकिन लेकिन ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट के पास जो भी फैसिलिटीज हैं, जो भी कैपेसिटी है, मेरे ख्याल से उसके मुताबिक वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज यू नो आई हैव बीन टू वैनकूवर, अभी मैं वैनकूवर पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने एक दिन स्पेंड किया, मैं वहां के पुलिस चीफ से मिलकर आई और बहुत कुछ मैं वहां से लर्न कर आई हूँ एक दिन में। और फिर यहाँ पर आकर मैंने जो हमारे आईजी साहब थे उनसे पूरी बातें डिस्कस की थी और बहुत सारे आइडियाज दिए थे, तो मुझे ये लगा कि हमारी पुलिस के साथ एक तो सबसे बड़ा इशू है कि पोलिटिसाइज्ड है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी पुलिस अच्छे से काम करे तो उसको सबसे पहले आपको डीपोलिटिसाइज करना होगा, जिसके लिए हमारे आईजी साहब अभी जो करंट हैं वो फाइट भी कर रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे। तो इसकी वजह से यू नो हमारी, हम पुलिस को ब्लेम तो करते हैं बट दैट इज द मेन रीजन। अभी जैसे आज आपने होगा कि ही वाज सेइंग कि प्रोटोकॉल में पुलिस बहुत ज्यादा यूज हो रही है, जबकि हमें पुलिस चाहिए पुलिस सर्विस के लिए,
ताकि हम उसको यूज कर सकें, रेजिंग दैट इशू अगेन एंड अगेन। और एक और चीज भी है, मतलब दिस इज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर अस कि आईजी साहब ने ये सोचा कि सिविल सोसाइटी को अपने साथ जोड़े, जैसे कि आपकी कंपनी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एमसीटीएस इज अ कंपनी राइट, और ये कंसल्टेंट्स मिलके पुलिस के साथ काम करें, उनके बिहेवियर पे भी काम करें, लोगों की भी मदद करें, तो ये एक बड़ा विजनरी सा डिसीजन है जी। और आपको पता है एडी ख्वाजा जो नाम है, इट्स एवरीवन नोज दैट ऑनेस्टी डेडिकेशन कमिटमेंट, एवरीबॉडी नोज दैट। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। एक कॉलर भी है, शाजिया है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम नुसरत, बहुत बहुत अच्छा शो हो रहा है, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए। जी आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। एक सवाल मैं जरूर करूंगी फौजी तारीख से, जो मेरे जहन में बिल्कुल एकदम से आया है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के जहनों में आया होगा। आई एम श्योर कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, जो मतलब शहरी ने भी काम करा वो अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन एक आम जनरल जो एक अंदर कॉमन सोच ये है कि पुलिस अच्छा काम नहीं करती है, लोग उनको अप्रोच नहीं कर रहे, उनका इमेज इतना खराब क्यों है, ये इमेज अच्छा क्यों नहीं हो सकता पुलिस का? ठीक है, ये इमेज पे बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, ये भी करेंगे। और खवातीन थाने जाने से कतराती क्यों है, मेरे तो जहन में ये भी सवाल है। ये जो है ना बात के कोई मसला हो गया, नहीं मैं थाने नहीं जाऊंगी, मैं और कहीं चली जाऊंगी, एनजीओ चली जाऊंगी, और नहीं, तो ये भी हमने जो परसेप्शन बनाया हुआ है ना, जैसे कि अभी फौजिया तारिक ने बात की ना, तो हम शुरू से स्टार्ट लेंगे ताकि लोगों को समझ आ सके। हम बात करते हैं शुरू में फैसिलिटीज की। तो नो डाउट मैं यकीन माने कि जो पुलिस को जिन सूरत हाल में पुलिस काम कर रही है ना, अगर मैं और आप हूं तो शायद ना कर पाए। 12 घंटे की ड्यूटी में आप यकीन माने पेट्रोल कम मिलता है, मोबाइलों को धक्का लगा के मोबाइलें स्टार्ट होती है, ना उनसे खाना पूछा जाता है ना कुछ पूछा जाता है। अब अगर किसी का शहीद हो गए, शहीद हो गए तो वो अलग, और किसी का प्रोटोकॉल गुजर जाए, अगर सीएम साहब गुजर रहे हैं, आप यकीन माने 6-6 घंटे पहले खड़ा होना पड़ता है, 8-8 घंटे पहले खड़ा होना होता है। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अगर हम लेके चले ना, तो वाकई में सबसे बड़ा जो फुकदान है वो हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट की फैसिलिटीज का है। ठीक है शहरी, हम इसको कंटिन्यू करते हैं, और क्योंकि हमें इंटरप्ट नहीं फिर करना चाहेंगे हम, और दोनों मेहमानों को इन्वॉल्व करना चाहेंगे, तो पहले हमारी किचन में शेफ जो है, मुझे लग रहा है आज बहुत गुस्से में उन्होंने हमें देखा, क्या आप लोग तो मेरी तरफ आ ही नहीं रहे, मतलब क्या आप लोग भूल जाएंगे मुझे? नहीं नहीं बिल्कुल, आज मिला दो शहरी, आपको भूल सकते हैं तो उनका मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं आ जाती हूँ। किचन में चलते हैं शहरी, आइए देखते हैं किचन में क्या बन रहा है। लेकिन आज बड़ी ही खूबसूरत डिस्कशन वहां भी होने वाली है, खूबसूरत और अहम डिस्कशन, तो इसलिए मैंने सोचा कि शेफ के पास हम पहले आ जाते हैं। और आज तो शहरी को ये जो जो चीजें फेवरेट है ना इनकी, वो बन रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है मुझसे, ये रोज क्या पका रही है, ये हमारे लिए मतलब हम देसी लोग हैं, आप ये मशरूम और ये चीज, मैं यही सुनने वाली सुनना चाह रही थी। हाँ जी जी, आज एग फ्रिटाटा बना रही हूँ। एग फ्रिटाटा, फ्रिटाटा जैसा आपने टॉपिक रखा है ना, एग फ्रिटाटा वैसा। अच्छा ये नए नए नाम ये ला रही हैं? नहीं है, एक्चुअली गॉर्डन रामजे एक शेफ हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, तो उनकी एक सिग्नेचर डिश है, तो मैंने कहा आप लोग, अब इन्होंने शेफ का नाम भी इतना मुश्किल बता दिया, ज्यादातर लोग भजे पाए वाले को फॉलो करते हैं, आप इसको फॉलो करती हैं, लेकिन मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। हाँ जी, तो अब ये है कि इसमें एग्स चाहिए, ये एक तरह का ऑमलेट है लेकिन एक हैवी और एक फुल मील ऑमलेट है। अच्छा, तो इसमें हमें एग्स चाहिए होंगे, मैंने 12 एग्स ले लिए। अच्छा ठीक है, और मैंने रेड चिली पाउडर, जो हमारे नॉर्मल ऑमलेट के मसाले होते हैं, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट है, और पेपरिका पाउडर है जी, गार्लिक पाउडर है, ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, चिकन पाउडर अगर डालना चाहें तो डाल लें, वैसे इसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है इसलिए कोशिश करें ना डालें, मैं डालती हूँ फ्लेवर के लिए, तो फिर मैं रखती हूँ। और मिक्स्ड हर्ब्स हैं। अच्छा, इसमें चीज डलेगा, चेडर चीज मैं कम यूज कर रही हूँ, मोजरेला थोड़ा ज्यादा इसलिए यूज करती हूँ, मैंने कहा कि शहरी में थोड़ा इंसान के पास एनर्जी हो तो वो थोड़ा वो हो जाएगा, और मोजरेला मैं इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि उसमें एक वो लेस, वो एक पिज्जा वाला एक आता है हाँ। उसके अंदर तो टेक्सचर वो बड़ा अच्छा हो जाता है। बाकी प्याज है मेरे पास डाइस्ड अनियंस, उनको पहले मैं सॉटे करके उसके अंदर मशरूम्स डालूंगी, बेल पेपर है जो कि हमारी शिमला मिर्च, और सॉसेजेस अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना तो, जैसे मेरे अब्बू नहीं खाते तो वो उनके लिए मैं नहीं डालती। अच्छा, तो एक चीज, ये अंडे, सिर्फ ये अंडे ही है इसमें कुछ? नहीं, सिर्फ अंडे ही है, सिर्फ अंडे हैं, मैंने पहले से तोड़ के रख लिए थे, तो ये अंडे आज आप खाएंगे और फिर देखेंगे। अच्छा, नॉर्मल हम घर में ऑमलेट खाते हैं वो सही रहता है, अब उसमें इतनी चीजें डाल देंगे देखते हैं क्या होता है। ये आप एक इसका थोड़ा सा खाएंगे पोर्शन, लेकिन आपको मजा आ जाएगा जब आप, चलें देखते हैं। आपके तो रोज मजे आ रहे हैं, रोज वाकई वो मैं आपके एक्सप्रेशन रोज नोट करती रहती हूँ। अच्छा, रोज ही होता है कुछ देसी पकेगा, कुछ देसी पकेगा, अब आप कंटिन्यूसली भाई इन्होंने
बिरयानी कहा ऑनियर, और मैं रोज इनसे पूछती हूँ बिरयानी। मुझे वहाँ से पता चला कि स्केड्यूल चेंज हो गया है, तो आप नहीं बनाएंगी बिरयानी। भांडा भी फोड़ने वाली थी, वो स्केड्यूल चेंज हो गया, किस वजह से हो गया। ठीक है, अच्छा एक कॉलर है, उनसे बात तो कीजिए, बात कीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे नुसरत, आप ठीक ठाक हैं? जी जी मैं सही हूँ। अच्छा शहरी, और मेरी आवाज इतनी मिल रही है? मैं कराची से बात कर रही हूँ। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। जी शुक्रिया, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, वेरी इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम। थैंक यू। और आप बहुत अच्छी कर रही हैं, और खासतौर पर शहरी को जो है वो इस उसमें देख के बहुत डिफरेंट लुक में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और जो है आपका जो टॉपिक आज का, उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जरूर बोलिए, अगर कोई सवाल है वो भी नोट डाउन करवा दीजिए। सवाल तो कुछ नहीं है, बस आज टीवी ने ये जो एक प्रोग्राम की है, रिवायत कायम की है टारगेट, और उसी के चैनल पे दूसरे और प्रोग्राम जैसे चल रहे हैं, तो उसमें जो है वो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है पुलिस के ऊपर वो काफी बहाल हुआ है, और मतलब औरतों को और सबको। और कॉल हमारे पास ड्रॉप हो गई, आई एम सो सॉरी, आप दोबारा कोशिश कर लीजिएगा, लेकिन आपकी बात बिल्कुल मकसद समझ में आ गया है। पुलिस को जो पॉजिटिव रोल दिखाएं उस पर ये बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इस तरफ जाएं, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे व्यूवर्स इतना सोचते हैं और हमारा साथ देते हैं, इस वक्त से प्रोग्राम देख रहे होते हैं, यही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो आप हमारे साथ रहिए, हमें बताते रहिए अपने कॉमेंट्स के बारे में। जो आज हमारे साथ कव्वाल ग्रुप है वो ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली यहाँ पर आए हैं, और दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के दरबार के हवाले से सब जानते हैं, सियासतदानों से लेकर जितनी भी अहम शख्सियात हैं, अगर वो दिल्ली जाती हैं तो वहां जरूर हाजिरी देती हैं। तो वहां पर जो लोग कव्वाली करते हैं, आज इंटरेस्टिंगली और बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इंटरनेशनल कव्वाल हैं जफर हयात निजामी, अजहर हयात निजामी साहब, तो ओवर टू यू। शहर में मोहम्मद के शहर में
से जब तू कदम निकाले, घर से जब तू कदम निकाले, छोड़ दे घर को खुदा के हवाले, छोड़ दे घर को खुदा के हवाले, याद मोहम्मद दिल में बसा ले, याद मोहम्मद दिल में बसा ले, जन्नत में घर अपना बना ले, जन्नत में घर अपना बना ले। नबियों का सुल्तान वही है, 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 जन्नत का सामान वही है। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, या रसूल अल्लाह हम गुनाहगार हैं, संभालो हमें, हमें हम गुनाहगार हैं, संभालो हमें, तूफान से आका निकालो हमें। और हम अपनी गुफ्तगू को, अपनी इस ट्रांसमिशन को अपने मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे। आपकी कॉल्स का भी हमें इंतजार रहेगा रमजान हमारा ईमान में इस ब्रेक के बाद। रमजान हमारा ईमान में आपको खुश आमदेद कहते हैं। मैं पहले बोल पड़ी आज के, अच्छा मैं इस तरफ हो जाती हूँ, कोई बात नहीं। लाइव शो में आप बहुत आराम से अच्छे तरीके से बैठते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है, हमारे साथ फौजिया साहिबा मौजूद है, हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद है, शेफ हमारी किचन में। आज बहुत भारी भरकम अच्छा आप कुछ कंटिन्यू कीजिए क्योंकि बिल्कुल सवालात रह गए। मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा एक ही बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ आता है, वो प्रॉब्लम ये होता है कि खवातीन के जहन में, खवातीन क्या जनरल परसेप्शन है लोगों के जहन में, ये है कि पुलिस का इमेज एक खतरनाक है। बड़ी कोशिश की हमने अपने प्रोग्राम्स के जरिए उठाने की भी, लेकिन रीजंस अब तक फाइंड आउट नहीं हो पा रहे। वो पुरानी पुलिसिंग चल रही है, या तो इस वजह से हो रहे हैं, या क्या रीजन क्या आप क्या समझ पाई हैं? और आप इस पे काम कर रहे हैं इमेज बिल्डिंग पे? ये जी जी, एक्चुअली आई एम ट्रेनिंग कंसल्टेंट, तो हम तो उनको ट्रेनिंग ही करवाते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, और जिसमें एक इमेज बिल्डिंग और एटीट्यूड एंड बिहेवियर को भी हमने ऐड किया है, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग को। देखिये पुलिस का इमेज क्यों अच्छा नहीं है, मैं तो पब्लिक से ये कहना चाहती हूँ कि कभी आपने पुलिस की रिस्पेक्ट की है? सड़क पे एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सुबह से शाम तक खड़ा हुआ है, वो आपको रोक रहा है सिग्नल, आप फिर भी सिग्नल तोड़ के भाग रहे हैं, फिर जब आपकी FIR करती है या जब आपके अगेंस्ट एक्शन होता है तो आप उनको ब्राइब करते हैं, आप तो करोड़ों तक भी चले जाते हैं कि भाई मुझे बचा लो, मेरी FIR नहीं काटना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ पब्लिक को कि पुलिसिंग इज नॉट ईजी, इट्स रियली डिफिकल्ट, यू नो, गोइंग थ्रू दी हेडलेस बॉडीज से लेकर और क्रिमिनल से लेकर, पुलिसिंग इज नॉट ईजी एट ऑल। तो मैं पब्लिक से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि एक जो 12 घंटे 18 घंटे एक ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा हुआ, कभी आपने उसको जाके एक पानी दिया है कि भाई बहुत शुक्रिया तुम हमारी जो है वो यहाँ पे सेफ्टी के लिए खड़े? और बिलीव मी, एक दिन एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को हटा के देख लें आप सिग्नल से, आप हटा के देख लें कितने एक्सीडेंट होंगे, लोग कितने आपस में लड़ेंगे।
तो यू नो एक पुलिस कांस्टेबल हमारा, एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे सिग्नल्स पे, लेकिन वहाँ पे भी बात नहीं सुनी जाती। बड़ा अफसोस होता है कि कभी पब्लिक नहीं हंगम होता है और नहीं सुनते और धमकियां लगाते हैं, गलत लैंग्वेज यूज करते हैं, इशारे गलत करते हैं। अच्छा प्रॉब्लम दोनों जानिब से प्रॉब्लम, ये इनकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर हम पुलिस को हटा दें तो हमारा सिस्टम एकदम आउट हो जाएगा, चाहे वो हमारी जो पुलिस ट्रैफिक पुलिस है, चाहे हमारी जो वैसी पुलिस है जो ऑपरेशनल मामला देखती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक आवाम की भी इसमें सबसे बड़ी गलती है, हमने इस पे प्रोग्राम भी किया था, हमने ये दिखाया था कि आज आवाम में कितने लोग रिश्वत देते हैं, तो हमने वहां पे मैंने खुद यूनिफॉर्म पहना और हम लोग वहां पे खड़े हो गए। अच्छा। और हमने ये दिखाया कि बस लोग आ रहे रोक रहे। अब मैं आपसे पेपर मांग रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू लॉ अगर आप किसी और मुल्क में है या कहीं है तो आप अपना गाड़ी का पेपर लेके निकले, हमें कैसे पता आपकी चोरी की गाड़ी क्या है। तो जो पुलिस रोक रही थी उनके पेपर नहीं थे, क्योंकि कराची में 80% लोग गाड़ी के कागजात लेके निकलते हैं, उनके रीजन ये चोरी हो जाता है। और जब उनको पुलिस रोक रही तो वो खुद रिश्वत ऑफर दे रहे, उनको नहीं पता कि वहां सबके माइक लगे हुए और वो उनकी रिकॉर्डिंग हो रही। तो रिश्वत देने के लेने के साथ देना भी जरूर। अब एक सिस्टम इस तरह का बन गया है कि जो रोड पे खड़ा हुआ कांस्टेबल है वो भी रोड पर ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेता है जी। तो आवाम ये देख के बोलती है कि जी ये लोग जो है रिश्वत ले रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि आवाम भी दे रही है। तो ये प्रॉब्लम दोनों जानिब से है। मेरा जो क्वेश्चन आपसे वो है वो ये है कि आप लोग जो करियर आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग उनको बताते हैं कि किस तरह, तो क्या चीज आप देखती हैं कि अगर पुलिस अपने अंदर ये ठीक कर ले तो औरतें और जो दूसरे लोग हैं वो वहां पर जाकर इजी बात कर सकेंगे। हाँ, इसके बाद पुलिस का अगर एटीट्यूड थोड़ा पोलाइट हो जाए, हम उनको ट्रेनिंग में भी कहते हैं कि थोड़ी मुजरिमों वाला एटीट्यूड हर किसी से ना रखा करें, मुजरिमों से आप और टोन में बात करेंगे लेकिन पब्लिक से आप थोड़ी पोलाइट बात करेंगे। आई थिंक इफ दे इम्प्रूव देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर तो बहुत बेहतरी आ सकती है। खवातीन के हवाले से मुझे आपसे सवाल करना है, लेकिन मुफ्ती साहब अब तक जो डिस्कशन हो रही है उसमें तो हम माशर्ती पहलुओं को सामने रखते हुए बात कर रहे हैं, हमारे मजहब ने हमें क्या कहा है? पुलिस का इब्तदाई महकमा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके ज़माने से इसका आगाज़ हुआ, और उससे पहले चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, आपके बाद सैयद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना, तो उसमें आप अलैहिस्सलाम के तरबियत करदा अफराद थे, जिसमें दीन में ऐसे उसूल ऐसा तरीका ऐसा रास्ता बताया गया कि जिसमें कानून सीखने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप का ज़माना दूर होता गया तो तरबियत में कमी आई। सैयद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में पुलिस का महकमा बाकायदा इसका मारे से वजूद में आया, और फिर बाकायदा से इनकी तनख्वाहों का निज़ाम, फिर चौकियाँ और ये सारे मामलात आपके ज़माने में कायम हुए। इस बात को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ मोहम्मद अहमद साहब की कॉल है मदीना मुनव्वरा से। अस्सलाम वालेकुम। ओह सो सॉरी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई जी, इसे कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद फिर यानी इससे पहले कोई बाकायदा इसका निज़ाम नहीं था, और चूंकि इनका इज्जत कितनी बताई गई है दीन में, यानी इनका बुनियादी मकसद और इनका फरीजा जो है कि मुआशरे से जराइम का खात्मा करना, बुराइयों का खात्मा करना और कानून के दायरे में आवाम को लाना, कानून की अमल दरामद करना, तो ये मुजाहिद की तरह है कि जिस तरह वो दीन इस्लाम के निफाज के लिए, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वो सरहदों के बाहर काम करता है, तो ये सरहदों के अंदर काम करते हैं। यानी दीन के जो कवानीन है तो उनका निफाज, उनकी पासदारी, उनकी अमल दरामद, ये पूरा मुकम्मल पुलिस के पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस का फर्ज है। तो अगर पुलिस का महकमा अपने फराइज को सही दयानतदारी के साथ, अमानदारी के साथ करता है, तो उसके लिए मुजाहिद का सवाब है कि वो यानी इस्लामी कवानीन है या मुल्की कवानीन है, ये उनके तो लिए उसके लिए अगर यानी अवाम को उसके मातहत करता है, अवाम से पासदारी कराता है, तो उसके लिए मुजाहिद का सवाब है। उसके लिए तो है, अवाम के लिए क्या हुक्म है? अवाम तो जो हमारी अवाम कानून तोड़ती है, मतलब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, बदतमीजी कर रही है, कानून तोड़ रही है, तो इस्लाम में इसको किस तरह देखा गया? देखिए जिस तरह आपने पहले फरमाया कि खराबी है दोनों तरफ से, अगर जिस तरह रिश्वत का मामला है या दीगर इस तरह के बदतमीजी का मामला है, तो पुलिस को जो कानून दिया गया है अगर उस कानून पे शुरू से ही अमल दरामद करती रहे, तो रिश्वत जैसे अगर वो नहीं लेती तो कोई आके जबरदस्ती जेब में डालना चाहे तब भी उसने अपने कानून पे अमल दरामद कराना है। रिश्वत भले जेब में डाल के चला जाए, आप उसे जो एफआईआर कटनी है या जो भी मामला उसके साथ होने तो आप वो करें। तो जब आपकी तरफ से और इसमें रिश्वत देना जैसे एक देना कॉलर है शहरी इस वक्त, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। नसरत माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आप लोगों का शो माशाल्लाह जा रहा है रमजान का जी। बहुत शुक्रिया। नाम आपका? जावेद साहब है जी। एहसान। एहसान जी।
एहसान साहब से आवाज से बात कर रहा हूँ जी। दरअसल मैं शिकागो में होती हूँ तो वहाँ भी मैं शहरी का शो देखता हूँ माशाल्लाह। अच्छा। बहुत शौक से मेरे बच्चे भी बहुत ज्यादा शहरी से मोटिवेटेड हैं। तो मुझे ये सवाल था शहरी से कि शहरी प्लीज मुझे इस बात से बताइए कि आप शो तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त करते हैं, आपके जज्बा भी बहुत जबरदस्त होते हैं, क्या पुलिस इस पर इम्प्लीमेंट करती है आपके शो के बाद? शो के बाद ठीक है, ठीक है, जवाब देते हैं इस बारे में बात करते हैं जी। ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक करी कि जी इम्प्लीमेंट कहीं कहीं हम करवाते हैं आपके शो के बाद। हाँ, हमारे शो के बाद कई दफाओं पे ऐसा हुआ है कि वो FIR भी हो जाती है, फिर कुछ ऐसे कानूनी मामलात होते हैं जिसके बाद फिर वो चीज दूसरी तरफ चली जाती है। लेकिन पुलिस के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमारी आवाम का है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब हम एक वोट की ताकत से किसी को वजीर आजम बना सकते हैं तो हम इतने कमजोर क्यों बन जाते हैं? सपोज एक इलाके के अंदर एक सिनेमा चल रहा है जहां पर फौज फिल्में दिखाई जा रही है, छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब मैं प्रोग्राम करता हूँ पुलिस के साथ जाता हूँ तो वहां पर मैं देखता हूँ कि कोई हजार लोग जमा हो जाते हैं और उसमें वो अक्सर ये भी कहते हैं कि आपके पास ये दोबारा खुल जाता है, मे भी कुछ अंदर की सेटिंग हो, हमारे पास और भी टॉपिक्स होते हैं। लेकिन मैं उनसे एक सवाल ये करता हूँ कि यार जब इस वक्त आप हजार लोग जमा हुए हो तो जब ये चलता है तब अगर हजार क्या 500 जमा हो जाओ, क्योंकि अवाम में इतनी बड़ी अवाम में इतनी बड़ी ताकत है नुसरत। मैं आपको यकीन मानू अवाम जिसे चाहे हीरो बना दे, जिसे चाहे जीरो बना दे, और वो हीरो जीरो बनते भी ऐसे ही हैं। आप देख लीजिए धरने और बाकी तमाम चीजें आपके सामने। हमारे प्रोग्राम के बाद काफी फवाइद भी होते हैं, कुछ जगहों पे हमें रिजल्ट नजर भी नहीं आते, लेकिन सारा ब्लेम पुलिस को देना ना ये भी गलत है, क्योंकि मैं पुलिस के मुझे पुलिस के मामलात पता है तो कहीं कहीं तो बहुत ही गलत ट्रैक पे होते हैं। मैं भी आपसे सवाल करूंगी और आपसे जो हमने खवातीन के बारे में सवाल करना है, बट अलीम साहब की कॉल भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक लगा शुक्र, आप कैसे? साल से आपको टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहली बार आपसे गुफ्तगू हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। बहुत मुझे भी खुशी हुई कि आपने कॉल मिलाई, कॉल मिल गई, हमसे बात कर रहे हैं। दुआओं में हमेशा याद रखा कीजिए। और सवाल किससे है, शहरी से करेंगे, फौजिया से करेंगे या फिर हमारे गुफ्तगू करना चाहूंगा जी? आपने टॉपिक दिया है पुलिस, मुआशरा और हम। जी बिल्कुल। देखिये आप ही, मुख्तलिफ दुनिया में बहुत सारे मजाहब हैं, मसालिक हैं और कौमियत हैं जी, और उन मुल्कों में भी पुलिस है, रियासती कानून है। पुलिस को स्पेशल ऑर्डर दिए जाते हैं, हम से मुराद यानी पाकिस्तान किसी भी रियासत में रहने वाले लोग, उस मुल्क के बाकी जी, पुलिस को स्पेशल ऑर्डर दिए जाते हैं और पुलिस के पास वो अथॉरिटीज होती है, वो पावर्स होती है जो दूसरी एजेंसी या दूसरे सिक्योरिटी इदारों के पास नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, फौज, फजाइया के पास इतने ताल्लुकात नहीं होते, इतने ऑर्डर्स नहीं होते कि वो आवाम में रच बस सके। पुलिस वाहिद ऐसी फोर्स होती है जो अवाम में रची बसी होती है, उन्हें अवाम में फैलाया जाता है ताकि वो गली मोहल्ले के तमाम मामला देख सके। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में पुलिस सिर्फ इसलिए बदनाम हुई है या तो वक्त पर उनको पावर दी नहीं जाती या फिर इतनी दे दी जाती है कि उनकी पावर को चेक करने के लिए उनके ऊपर कोई नहीं होता। इस वजह से पाकिस्तान में पुलिस कभी तो जब खुलकर काम करना चाहती है तो पीछे से रोक दिया जाता है, और जब जहाँ करना होता है वहाँ फिर पुलिस कितनी मजबूत। ये बात अभी फौजिया साहिबा ने शुरुआत में कही थी कि पुलिस का पोलिटिसाइज होना जो है ना वो एक मेजर चीज है, और आप जितनी बातें कह रहे हैं पोलिटिसाइज होना नहीं, पुलिस स्ट्रीट क्राइम, बेशुमार क्राइम पुलिस से जुड़े हुए हैं। अच्छा चले इस पे भी बात करते हैं ना, क्योंकि फील्ड में शहरी ने बहुत काम किया, फौजिया साहिबा भी आ गई हैं काम करने, इनका ताल्लुक भी सिविल सोसाइटी से है, हम जैसे लोगों में से हैं ये, तो ये क्या कर देंगे, क्या जाएगी पुलिस से? ये भी आपकी तरफ से मैं सवाल इनसे जरूर पूछ लेती हूँ। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, लेकिन कॉलर्स हमारे बड़े सोच विचार वाले आ रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इनसे बात करके। अच्छा फौजिया साहिबा, दो सवाल हैं आपसे। एक तो यही बात कि क्या आप लोग इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा, अल्टीमेटली हमें क्या फायदा होगा, हमें एट लार्ज क्या फायदा होगा, और हमें से मुराद ये है कि हम खवातीन को क्या फायदा होगा? अगर किसी खातून की कंप्लेन है तो वो आ जाएगी आपके पास, उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि वो सोचेगी कि नहीं मेरे मुहाफिज बैठे हैं वहां पर? देखिए सबसे पहले तो जो हमारा ट्रेनिंग और वो सारा चल रहा है, लोगों को फर्क भी नजर आया होगा पिछले एक दो सालों में लॉ एंड ऑर्डर में, तो हालात काफी अच्छे थे, क्राइम रेट भी जीरो था और सब कुछ सही से चल रहा था। और जहाँ तक रही खवातीन की बात, तो अभी मैंने IG साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप हर थाने में दो लेडी पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंट कर दीजिए ताकि खवातीन को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको सिर्फ एक जो आपने वो बनाया हुआ है वुमेन पुलिस स्टेशन ऑल द वे, वो वहां पर ना जाए, वहां पर बड़ा रश हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी के साथ हादसा हैदराबाद में हुआ है तो वो यहाँ वुमेन पुलिस स्टेशन तो नहीं आएगी। खैर ही इज कंसिडरिंग दिस रिक्वेस्ट, और उन्होंने एडिशनल IGP कराची जो हमारे मिस्टर है उनको ये कहा है इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट के मेरे ख्याल से अभी
जो है वो वुमेन पुलिस ऑफिसर्स हर थानों में अपॉइंट हो जाएंगी तो खवातीन जाके आराम से। अच्छा, दूसरी बात ये कि एसएसयू जो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है उन्होंने फैसिलिटेशन सेंटर्स बना दिए हैं जहां पर खवातीन भी मौजूद हैं और दूसरे मेल पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, तो वो एक बड़ा इजी एक्सेस है खवातीन के लिए और वो फैसिलिटेशन सेंटर्स देखने वाले हैं। और वो दैट इज अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाय द वे, यस, उसमें आपको वो पर्ची निकालनी पड़ेगी, देन देयर इज अ वेटिंग लिस्ट, तब आप जाएं और आप अपनी लेडी पुलिस ऑफिसर के पास उनको सारे मसाइल बताएं। अच्छा, घरेलू तशद्दुद से लेकर जी अगर हरासमेंट लेवल तक या और कोई ऐसी बात हो गई, सारे मामला डील करेंगे, सब मामला डील करेंगे। और तीसरा ये कि हम लोग अभी ह्यूमन राइट्स डेस्क अनाउंस करने जा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स सेल्स, जो कि एक हमारे आईजी थे बाबर खटक साहब, उन्होंने ऑर्डर्स इश्यू किए थे। और फिर आपको पता होगा इस फरवरी में प्राइम मिनिस्टर ने भी ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि पूरे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट सेल्स एस्टेब्लिश करें, तो उसकी कंटिन्यूएशन में अब इंशाल्लाह ताला विद इन वन वीक और टू सो वी विल बी इनॉग्रेटिंग ह्यूमन राइट सेल्स। तो खवातीन के लिए वो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म होगा कि वो वहां आकर आराम से अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करें। ठीक है, शहरी से भी हमें सवाल करना है जो कॉलर का सवाल था, लेकिन एक और कॉलर मौजूद है और बड़े रेगुलर हमारे कॉलर रहे हैं, बड़े अरसे बाद इन्होंने अभी कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम याहिया साहब। वालेकुम सलाम, सर कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने कॉल किया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मुझे शर्फ हासिल हो रहा है इत्तेफाक से बात करने का। रमजान में पहली मरतबा मैं सोच रहा था कि आप लाइव कॉल ले रहे हैं या नहीं ले रहे, लेकिन बात ये है कि अभी हमारी बहन बैठी थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि पुलिस, देखें पुलिस, जहां हम पुलिस की बुराइयां भी करते हैं तो पुलिस बहुत सारे काम भी कर रही थी। रियली अभी मैं बहुत बड़ी कराची की महफिल खालिद बिन हाल पर अटेंड करके आ रहा हूं, बहुत बड़ा अरेंजमेंट होता है, यकीन करें नुसरत, इतने जबरदस्त तरीके से पुलिस वाले इसको हैंडल करते हैं, इसमें बड़े लेवल के लोग भी हैं, छोटे सिपाही भी होते हैं। मैं बिलीव करें, मैंने अप्रिसिएशन दी उनको, मैंने कहा कि आपने जो हमारी हिफाजत के आप खड़े हैं, अल्लाह इसको आपको जजा दे। तो ये बाहिनी अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। देखिए बात ये रवैया मेरा पुलिस के साथ और पुलिस का मेरे साथ बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, उसने अखलाक वाला होना चाहिए। अब सवाल ये शहरी ने जैसे कहा, शहरी तो डील करते हैं, शहरी उसने खतरनाक, आप शहरी से आज सवाल भी करें, मैं चाहती हूँ आपके जहन में जो सवाल है वो जरूर करें। मैं करूंगा शहरी से, लेकिन फिर एक इतनी सी बात कहना चाहूंगा, देखें बात ये कि आप जरा पुलिस की प्रॉब्लम ये समझेंगे, 11,000 पुलिस वाले वीआईपी ड्यूटीज पे हैं, वो बेचारे क्या करेंगे, हमारी खिदमत क्या करेंगे, उनको तो उनके घरों का पानी भर तक के लाना पड़ता है। ये पोलिटिसाइजेशन है सबसे बड़ी बात। ये दूसरी बात ये कि इनकी जो इनकी इनको फैसिलिटेट आप क्या कर रहे हैं, आप ये भी तो देखें ना। अच्छा, शहरी से जो मेरा सवाल है, शहरी मुझे ये बात बताएं कि आप पुलिस के साथ काम करते हैं, क्राइम डैम्स को वो एबेंडन करते हैं और बहुत सारी चीजें लेके आते हैं। अब मसला ये होता है कि हम तो ये प्रोग्राम एक घंटे में देख के फारिग हो जाते हैं, आपके ऊपर क्या प्रेशर होते हैं दोनों तरफ से, पुलिस आप अगर पुलिस के खिलाफ करो तो पुलिस आपके खिलाफ हो जाती है, अगर आवाम के हक में कोई बात की जाए तो फिर एक दूसरी तरफ हो जाती है, तो और फिर पॉलिटिकल प्रेशर होता है। आप इसको हैंडल करते हैं किस तरह, क्या आप अल्लाह रसूल का नाम लेके निकलते हैं, क्योंकि खतरनाक काम है, आपके अंदर क्या फीलिंग्स होती है मुझे बताएं। ठीक है ठीक है, ये सवाल ऑनियर जवाब देते हैं, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। सबसे पहले तो इनका शुक्रिया, और मुझे नहीं पता शायद इनकी फैमिली से शायद को पुलिस डिपार्टमेंट में हो, क्योंकि ये बड़ी अंदर की तकलीफ जानते हैं, बड़े लर्नड कॉलर हैं, ये बड़ी अच्छी बात, ये बड़ी अंदर की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है पुलिस की वो इन्होंने डिस्कस करी है, तो एक बड़ी अच्छी बात है। जहां तक हमारे प्रेशर्स का सवाल है, तो अभी हमारी एक जॉब बन चुकी है, 7 साल से हम ये शो कर रहे हैं टारगेट, और प्रेशर्स होते हैं, जाहिर है जब भी आप कोई काम करने जाए, अच्छा काम करने जाए, तो आपको बिल्कुल प्रेशर्स का सामना होता है। लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा हमें बड़ी सपोर्ट करता है, आज न्यूज का एक बड़ा एहसान है और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं उसके ऊपर कि वो बड़ा सपोर्ट करते हैं। और बाकी प्रेशर्स की बात तो ये हमें मिलते रहते हैं, कभी हमें जो है वो दहशतगर्द अनासर की जानिब से मिलते हैं तो कभी और जगहों से मिलते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोग हैंडल कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं ना। एक प्रेशर है जो आप शायद हैंडल कर पाए या ना कर पाए, सबने सरेंडर कर दिया उसके आगे। कौन सा प्रेशर? वो अभी आप उस दौर में आए नहीं ना, अच्छा, शादी के बाद पूछूंगी मैं आपसे। उस प्रेशर के सामने सब सरेंडर कर देते हैं, चाहे कोई कितना ही हीरो बने कैमरे के सामने, बिल्कुल है ना। और अभी अगर ऐसा हो गया होता तो मैंने शहरी से बहुत सारे सवाल करने थे, लेकिन चले आप बच गए, नेक्स्ट रमजान तक देखते हैं ना, फिर मैं आपसे जरूर सवाल करूंगी, है ना, क्यों मानती है ना फौजिया? बात इनकी और मेरी पहले भी डिस्कशन हो चुकी है ये, लेकिन मानते हैं ना ऐसा है, नेक्स्ट ईयर तो फिर कुछ ना कुछ। मुफ्ती साहब आप मानते हैं? बेगम का प्रेशर जो है, चाहे कोई भी हो, बाहर कितना ही फन्ने खां हो, लेकिन घर आके वो शौहर ही है मासूम, वो होम मिनिस्टर है।
हाँ होम मिनिस्टर है, वाह मुफ्ती साहब ने भी बड़े फराख दिल से कहा होम मिनिस्टर है। मुफ्ती साहब एक और आपसे सवाल ये है कि अभी जो हमारे कॉलर बात कर रहे थे कि फैसिलिटीज नहीं है, जाहिर है जब किसी का पेट भरा होगा तो वो उसका दिमाग भी चलेगा, वो बहुत से काम भी करेगा और अच्छे काम भी करेगा। जब किसी का पेट ही नहीं भरा हुआ होगा, उसके बच्चे भूखे होंगे, उनकी जिंदगी में पढ़ाई नहीं होगी या और मामलात होंगे, बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिलेंगी, तो वो अच्छा काम नहीं कर सकेगा। पुलिस के मामले में आप क्या समझते हैं, जैसे आपने हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र किया कि उनके दौरे हुकूमत में ये इदारा कायम किया गया, तो इनकी हिफाजत और इनकी फैसिलिटेशन पे भी काम किया गया होगा, वो क्या है आपके ख्याल में? हमारे मजहब में पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ सिर्फ पुलिस ही नहीं, किसी भी इदारे में अगर आप देख लें तो आम अमूमन सैलरीज क्या है, 8,000, 10,000, 15,000 स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्टिंग तो इसमें एक फैमिली का गुजर बसर कैसा हो सकता है, ये तो यानी नामुमकिन से बात है। अगर अरबाब इख्तियार और इक्तदार जो अफराद हैं तो उनको खुद इन अफराद की जगह अपने आप को रखकर ये सोचना चाहिए कि क्या हमारा घर हमारा चूल्हा इसमें जल सकता है या नहीं। और दूसरी चीज के इस चीज को अगर बुनियाद बना कहा जाए कि पुलिस की सैलरीज कम है इस वजह से दीगर जराये से वो हासिल करती हैं, तो फिर पुलिस वाले को किसी ने पाबंद नहीं किया कि आप यानी कि इसी जॉब में आए, इसी महकमे में कहीं और आप चले जाएं, क्योंकि अगर आप ये जानते हैं कि इस महकमे में रहकर आपको हराम के जरिए दीगर जराये से अगर आपको अपनी जरूरियात पूरी करनी पड़ेंगी तो आपको फोर्स नहीं किया किसी ने, आप किसी और महकमे में चले जाए। आपकी ही है देखे ना इसमें यानी पुलिस वाले के पास एक जो कांस्टेबल है ट्रैफिक वाला है या दीगर, तो वो इख्तियार रखता है कि किसी से रिश्वत ले या ना ले, तो नहीं लेता है तो उसमें कोई फोर्स तो नहीं किया जाता कि आप रिश्वत दो, ये तो उसका अपना एक इख्तियार अपनी मर्जी है। मजबूरी शायद ऐसी हो जाती लेकिन है ना? मजबूरी देखें शरीयत ने ये कोई यानी रास्ता नहीं रखा कि अगर आपकी तनख्वाह से आपके अखराज पूरे नहीं हो रहे उस महकमे में आपके पूरे नहीं हो रहे तो फिर आप हराम कारी करें, हराम के जरिए माल हासिल करें, आप किसी दूसरे महकमे में ज्वाइन कर लेंगे जहां आपको आपकी जरूरियात के मुताबिक पैसा मिल सकता है। एक ब्रेक यहां पर आ गया है, ब्रेक के बाद एक और कॉलर ने शायद बात की थी शहरी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत सी अंदर चीजें अंदरखाने चीजें हो रही होती हैं, जो आपने भी तस्करा किया था कि मुझे बहुत कुछ पता है, तो जो जो आप बताना मुनासिब समझे मैं चाहूंगी कि वो आज आप शेयर करें क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रहा है, और फौजिया साहिबा आपसे भी कि व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट लेवल पर जाके आप लोग क्या करें। ठीक है खवातीन के लिए आप लोगों ने काम कर लिया, इमेज बिल्डिंग पे काम कर लिया, लेकिन वो जो उन लोगों की वीकनेसेस हैं या जो उन लोगों को सही तरीके से प्रोविजंस नहीं दिए जा रहे जिंदगी के पुलिस डिपार्टमेंट में, उस पर भी काम हो रहा है, क्या होगा आगे ये आपने हमें बताना है आफ्टर दिस ब्रेक। रमजान हमारा ईमान, और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से, उनके इमेज के हवाले से, और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कोई सवाल भी किया था जो मेरे जहन से निकल गया, तो आपके जहन से भी निकल ही गया होगा, इतनी हमने बातें की, हाँ इतनी बातें की व्हाट्स नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा था, लेकिन हम और ब्रेक में बहुत सी ऐसी बातें कर रहे थे शहरी, उनकी तरफ अगर हम लेकर चले फौजिया साहिबा को। बिल्कुल फौजिया साहिबा से जाने से पहले मैं एक सवाल मुफ्ती साहब से करना चाहूंगा। मुफ्ती साहब हमारे यहाँ लोगों का एक मसला है कि ठीक है रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ठीक है जो पुलिस ले रही है वो एक हम दूसरी तरफ कर देते हैं। हमारे यहाँ जो आवाम है वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में 100 रुपए 50 रुपए रिश्वत देते हैं। अच्छा इधर अगर भी हो सकता है कॉलर आया बोले कि जी हमसे प्रेशर देकर रिश्वत ली जाती है, प्रेशर देकर रिश्वत नहीं ली जाती है। सपोज मैं जा रहा हूं मेरे पास गाड़ी के कागजात नहीं है, अगर मैं कानून पे चलूंगा तो मुझे थाने जाना पड़ेगा, पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, मैंने जो 100 रुपए निकाले दे दिए, मैं उसका गुना जो है वो जानना चाह रहा हूं कि इस्लाम में इसका क्या गुना है, ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले जो दिन में 100-150 को रिश्वत देते हैं उसको उन्हें क्या गुना मिलता है। मुल्की कवानीन जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो जी, ऐसे कवानीन जो जिसमें कुरान और सुन्नत की कोई खिलाफ वर्जी ना हो, तो उसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात की तरह उसको अपनाना ये लाजमी है, जिसमें किसी भी बंदा मोमिन की किसी इंसान की इज्जत नफ मजरू होने का खौफ हो, यानी ये ट्रैफिक का अगर कोई रूल तोड़ेगा तो ज़ाहिर उसकी इज्जत नफ मजरू होने का खौफ है, तो उसको वो कानून अपनाना ये लाजमी है। अब उसमें जो हमारे शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करते हैं कि कागजात नहीं है तो 100 रुपये पकड़ा दिया, तो इसीलिए फरमाया कि राशि और मुर्तशी यानी रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला ये दोनों जहन्नम ही है, दोनों जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि यानी आसानी के लिए उन्हें हराम रास्ता इख्तियार किया। इसमें जो लेने वाला है
वो ज्यादा इसमें इख्तियार रखता है कि वो ले या ना ले। अब देने वाले का ये है कि वो अगर देता है, अगर मजबूरन देता है तो वो किसी मजबूरी के तहत दे रहा है, तो सामने वाला अगर नहीं लेगा तो वही रुक जाएगा, यानी कानून की पासदारी होगी, कानून की अमल दरामद होगी। तो उस सूरत में कानून की इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी और उसको वही यानी उसका सद्देबाब कर दिया जाएगा। नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब, रिश्वत लेने और देने वाला दोनों ही बराबर के गुनहगार है। अगर आपने बात करी कि मैं मजबूरी के तहत दे रहा हूँ तो फिर मैंने अपना एक जहन भी बना लिया ना कि मैं रोज बगैर कागजात के निकलूंगा, पकड़ लिया तो 150 में मामला तय कर लूंगा। मैं आप और मैं हम कोई बहाना साजी कर सकते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तो हम झूठ और कोई इस तरह वही मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, व्यूवर्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो दिन में एक गुना करते हैं उसका गुना उन्हें क्या मिले, क्या है गुना, क्या है रिश्वत देने का, क्या गुना है? एक रुपया भी अगर रिश्वत दी जाए या 100 रुपया दी जाए तो उसके बारे में फरमाया कि अगर यानी उसके पास दूसरा रास्ता भी था कि रिश्वत से बचता, यहाँ दो चीजें ना कि उसके पास रास्ता ही नहीं है कि वो रिश्वत से बचे, लेकिन उसके पास एक चीज थी कि वो रिश्वत नहीं देता, सजा सह लेता, बर्दाश्त कर लेता, तो फिर भी उसने अपनी आसानी के लिए रिश्वत दी तो 1 रुपया भी दिया या 100 रुपया दिया, वो फरमाया कि वो जहन्नम में, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अजाब दिया जाएगा, सजा दी जाएगी उस गुनाह की। लेकिन दूसरी चीज यह कि वो रिश्वत दिए बगैर चारा ही नहीं है। जिस तरह आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मालूम है, हर शख्स जानता है कि बहाना मिल जाएगा, इसमें इख्तियार है या नहीं है, दो चीज है ना इसमें, तो ना करें गवर्नमेंट की जॉब, देखिए प्राइवेट जॉब करें। फिर इसमें ये है कि सिस्टम बिल्कुल तबाह हो जाएगा कि ना अहल लोग आएंगे। अब दूसरा इसका आएगा वो भी तो ना अहल आएगा, और मेरा शरीयत ने ये लाजिम रखा है कि आपकी अगर काबिलियत है, आप उस मनसब के लिए अपने आप को मौजूद समझते हैं जी, आप अपने आप को काबिल समझते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि अगर मैं किसी को खिलाऊं पिलाऊंगा नहीं तो ना अहल लोग उस पर काबिज हो जाएंगे, पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा, तो फिर उस सूरत में आप पे। लेकिन मुफ्ती साहब, रिश्वत तो कहीं भी किसी भी अगर हम फोरम पे बात करें तो अलाउ ही नहीं है, हमारा मजहब इसकी इजाजत देता ही नहीं है। नहीं, इसमें ये है कि ये जो मैंने आपको सूरत बयान की कि उसमें रिश्वत देने वाले के पास कोई इख्तियार ही नहीं है, इसके पास चारा नहीं है कि वो क्या करे, और जिस काम के लिए रिश्वत दे रहा है वो ये जानता है कि अगर रिश्वत नहीं दूंगा मैं तो ना अहल लोग उस पर काबिज हो जाएंगे, करप्ट लोग आ जाएंगे। अच्छा, इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। आपने एक हमने नाथ खां डिस्कवर कर लिए, 30वें रोजे तक जो है वो प्रॉपर नाथ खां बन जाएंगे और फिर अल्लामा शायद उनके नाम के आगे लग जाए या कुछ और लग जाए, तो शहरी साहब। अच्छा, ये जो नात अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये फसीउद्दीन साहब की नात है और ये बहुत मुश्किल नात है। तो बस कोशिश करूंगा अगर कहीं अल्फाज ऊपर नीचे हो जाएंगे, बड़ी एक ये मुश्किल सी नात। अल्लाह ताला कबूल करे और कमी बेशी माफ फरमाए, कमी बेशी माफ। ये देखिए, ये भी एक रूप है, इस पे एक और लाइटर जुमला निकलता है लेकिन वो आपको ब्रेक में बताऊंगी। मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मुझे चमन से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन।
इश्क शाह ज़मन से है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क है वहीं करबला, मेरी बात उनकी ही बात है, मेरे सामने वो ही जात है, वो ही जिनको शेरे खुदा कहे, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहे, वो ही जिनको आले नबी, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत 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 खूब और बहुत ही लुत्फ आया ये सुन के। अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए और आप आगे हमें और नाते सुनाए। ऑल द बेस्ट टू यू। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। गदालवाज कोई ऐसी बारगाह नियाज वल्दिया से उठे तो जाएगा, तुम्हारे दर के सिवा अब कहीं पनाह नहीं, गदाए दर शर्म राजले मेरा मेरी।
इसमें माजरत के साथ हमारी भी बहुत माजरत के साथ हमारे कुछ साफी हजरात भी होते हैं जो साफी नहीं होते
लेकिन उनके पास एक प्रेस का कार्ड होता है, वो भी हमने काफी एक्सपोज किए कैसे बनते हैं बहुत माजरत के साथ, लेकिन गर्व होता नहीं है प्रेस। आप यकीन मांगे, माने एक दफा मैं खड़ा हुआ था तो मैं पुलिस चेकिंग कर रही थी मैं पीछे, तो हम लोग किसी प्रोग्राम के लिए रेडी हो रहे थे, उसने बोला प्रेस, तो मैंने बोला दिखाना कौन सा प्रेस, वो प्रिंटिंग प्रेस वाला था, वो भी प्रेस, मतलब इतना बदनाम कर दिया है। और ये चीज गलत है कि अगर वो आपसे कागजात मांग रहे हैं, देखिए बहुत सी चीजें होती है कागजात के बाद, फिर अगला सवाल होता है कहां से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, ठीक है, उसके बाद एंड में कहते हैं चाय पानी दे दे। जब वो उस लेवल पर आए तो आपका कुछ बोलना अच्छा लगता है, लेकिन कई जगहों पे वो स्नैप चेकिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो लोगों को अपना बिहेवियर और बहुत जगह लिहाज भी करते हैं। आप देखें अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपको नहीं रोकते, अगर रोक भी दिया तो कहते हैं अच्छा खातून को देख लिया, बच्चों को देख लिया, चले जाए। तो ऐसी भी चीजें हमारे यहाँ है जो अप्रिशिएट करनी चाहिए। और एक और कल्चर भी डेवेलप हो गया है जो बहुत तकलीफ देह है और खतरनाक भी लगता है, छोटे छोटे बच्चे टीनेजर्स गार्ड्स के साथ घूमते हैं, उनको पुलिस मुदाखलत नहीं कर सकती, उनके गार्ड्स जो हैं वो अपने आप में ऐसा कुछ होते हैं अच्छा। कि उनके एक इशारे पर वो गार्ड्स, और ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स अच्छा, हैं। उसका उसका रीजन ये है कि ये जो इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं ये अपने बच्चों के साथ जाती घर होते हैं, बच्चा एक फूल की तरह होता है, आपके बच्चे आप जो बच्चे के अंदर फीड करेंगे ना उसने वही करना है, आप उसको बचपन से दिखाया कि ये पुलिस ये सब कुछ नहीं तुम्हारे आगे, वो फील लाइक अ किंग, जबकि कोई किंग नहीं है कराची शहर में, ऐसे कोई किंग नहीं बन सकता। ऐसे माजी वाकयात आए, शाहजेब का केस आया, बिल्कुल उस पर भी, वो भी देखे ना कितना पैटी इशू था और किसी का जवान बच्चा चला गया उसमें एक पैटी इशू में। लेकिन एक नुसरत उसमें मेरा एक इख्तलाफ है, मेरा एक इख्तलाफ है, शायद वो गलती थी उसकी, उसे सजा मिलनी चाहिए पर्सनली। अब लोग बोलेंगे जी, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि जब उस लड़के शाहजेब के लिए पूरी कौम खड़ी हो गई बिना किसी मकसद के, मैं आज तक किसी प्रोटेस्ट में नहीं गया अपनी जिंदगी के, मैं उसके प्रोटेस्ट में गया था, मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, क्योंकि मैंने देखा हमारी कौम खड़ी हो गई है। लेकिन फिर उस पर मामला का तय हो जाना, पैसे ले देना, उधर मिस्टेक हुई कि जब उनके फादर ही कह रहे थे कि नहीं मैंने सजा दिलानी है, तो एक दफा सजा दिलाते ताकि एक लड़का लेसन बनता। मगर बस शहरी ऐसी भी चीजें हैं कि उनकी पीछे दो बेटियां थी और जब बेटा चला गया तो पीछे की दो बेटियों से खड़ी हो चुकी थी, कौम खड़ी हो चुकी थी, मगर बस माँ बाप है ना, बहुत सी चीजें शायद उनके जहन में आती हूँ, मतलब पर्सनल बोला शायद मैं गलत भी हूँ, होते हैं, एक बच्ची की शादी हो गई, एक बच्ची उनके साथ है, आप जिनसे टकरा रहे हैं वो भी आपको बहुत कोशिशें कर रहे हैं हर तरह से, वो आपने देखा ही था। तो हमारे यहाँ ये भी है कि सही गलत जो है बस जिसके पास पावर है वो सही है, अगर सही। गलत भी है तो वो उसे घुमा फिरा के सही कर देगा, अपने आप को बचा लेगा। ये एक दफा आ जाए ना कि कैफ़िर किरदार तक कोई पहुंच जाए, एक दफा आ जाए तो शायद बहुत सारे मामला हल हो जाएंगे। और स्पेशली डिफेंस क्लिफ्टन की आवाम जो है वो ये चीजें रातों को, कई ऐसे केसेस हैं जो थानों तक पहुंचते ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि वो ऐसे ऐसे केसेस हो जाते हैं दो दरिया की साइड पे, उस पे जो थानों तक ही नहीं पहुंच पाते क्योंकि लोग जाना नहीं चाहते, तो वो एरिया रात के हवाले से इस वजह से भी डेंजर होता है कि वहां पर अमूमन ये गार्ड कल्चर और ये बहुत ज्यादा हमें दिखता है और सुनसान रोड नाटा बहुत होता है, बिल्कुल, तो उस वजह से ये वहां की आवाम को बड़ा सरवाइव करना पड़ता है इस चीज को। तो इन चीजों का ख्याल खैर सबको रखने की जरूरत है, क्योंकि देखें पहले एक ओनरशिप होती थी, फौजिया इस पे मैं चाहती हूँ आप जरूर कमेंट करें कि हमने अपने बचपन तक देखी कि ओनरशिप होती थी, लोग अपने बच्चे को ही नहीं अपने पड़ोसी के बच्चे को भी ओन करते थे, या वैसे ही आपके शहर में रह रहा है कोई भी बच्चा उसे भी ओन करते हैं। अब ओनरशिप आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई है, माँ बहन बेटी की वो ओनरशिप नहीं है कि जी ये उसकी बहन है तो ये मेरी भी बहन है, या चलो किसी की भी बहन होगी मगर मेरी बहन है, बहन वाली फीलिंग अब तो लोग खुल के इस बारे में भी बात कर देते हैं ना, कोई भी बात कर देते हैं कि जरूरी नहीं, एक्चुअली मॉरल वैल्यूज की बात होती है। और एक तो घर में तरबियत होती है और दूसरा जो तरबियत बच्चे स्कूल से और कुछ मीडिया से भी ले रहे होते हैं, तो आई थिंक वो तमाम चीजें जब कंबाइन हो जाती हैं तो कुछ इस तरह से बिगड़ी हुई सूरत जो है वो सामने आती है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो मॉनिटर करें अपने बच्चों को, किन दोस्तों से मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन फैमिलीज में उठ बैठ रहे हैं, कौन से टीवी प्रोग्राम्स देख रहे हैं, अगर नेट यूज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जैसे अब स्नैपचैट का आप जिक्र कर रही थी, तो यू नो वी शुड सी के बच्चे जो है, आपको पता है कितने सारे केसेस, तो जो हमारे ह्यूमन राइट डेस्क में जो पहला केस आया था और उस वो यही था कि फेसबुक पे उस लड़के ने लड़की को फंसा के और बुलाया और उसको बोला कि मैं डायरेक्टर हूं और तुम्हें फिल्मों में चांस दूंगा, ऑल द वे इस्लामाबाद से वो यहाँ पर आई अपने माँ बाप को झूठ बोल के कि मुझे नौकरी मिल गई है, बेचारी मिडिल क्लास फैमिली की थी, उसको जॉब की जरूरत थी, ऑल द वे जब वो यहाँ पर आई तो उसने वो अटेम्प्ट टू रेप करने की कोशिश की पहली रात ही, और वो फिर घर से भाग कर देन शी वेंट टू सम टीवी चैनल एंड देन टीवी चैनल ब्रॉट हर टू DIG's ऑफिस, तो देन वो जो उस वक्त डॉक्टर जमील थे DIG साउथ, तो उन्होंने कहा ये फर्स्ट कंप्लेन आपके ह्यूमन राइट डेस्क की मैं रजिस्टर कर रहा हूँ
एंड वो बड़ा अच्छा उन्होंने सोल्यूशन निकाला, उसको पकड़ लिया लड़की की हेल्प से ही लड़के को, और फिर लड़की को इस्लामाबाद वापस भिजवा दिया, और फिर लड़के के जो भी फ्रॉड एंड उसके चार्जेस थे। एक फेसबुक पे दोस्ती हुई थी और उसमें लड़के ने बताया था मैं बहुत कुछ हूँ और यहाँ आए तो वो पता नहीं जोड़िया बाजार में क्या काम करता था। जी, जी। अच्छा निकाह भी हो गया था और उसको फिर लड़की को जब सब पता चला, फिर उसके पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए, उसको रिकवर किया, उनका डिवोर्स हुआ, ये सारी चीजें हुई, फिर एक बच्चा किडनैप हो गया था फेसबुक की दोस्ती से, और रिसेंट वाकया है आप सब। और कुछ कुछ मामलों में तो रिकवर भी नहीं पुलिस कर पाती है बिकॉज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, ये सब चीजें चलती है। पुलिस की बात हो रही है और आपने अपनी नजरें बिल्कुल सीधी की हुई है, मुझे लग रहा है यहाँ तो खौफ बहुत है या इग्नोरेंस बहुत है। आप इस पे कॉमेंट कीजिएगा, आप भी अपने दिल की कोई बात कर सकते हैं। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक पर जाने से पहले आप देखेंगे शहर शहर रमजान में पुलिस के हवाले से ही हमारी टीम की ये कोशिश है, ये आप देखिए, उसके बाद ब्रेक, फिर हम वापस आते हैं। अबू की बड़ी पिटाई हुई है अबू से, तो हमारे अबू का एक रूल था, पड़ानों का रूल था, जब एक की पिटाई होगी तो दूसरे की उसके साथ होगी, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मेरा जो बड़ा भाई है वो बड़ी शरारत करता, मेरी कोई पुरानी याद निकाल के ना उस पर मुझे पीटा जाता। अच्छा? वो एक के साथ एक फ्री था हमारे, वाकई सीरियस बात कर रहा हूँ मैं, मुझे अभी ये याद आया अपना बचपन। तो आप कभी बाद में आपने अब्बा को बोला कि मेरी पिटाई किस लिए होगी? अब नहीं, अब तो वो इतने ज्यादा चेंज हो गए हैं कि अगर भाई के आपने बोला कि उस वक्त जो आपने मेरे साथ किया आपको याद है? नहीं, वो कहते मैंने कब मारा, हाँ मुखर गए, मैंने मारा ही नहीं, अब की हमारी बड़ी पिटाई हुई है हर चीज पर हुई, और बड़ा भाई मेरा ज्यादा शरारती था, उसकी वजह से मेरी अक्सर जो है वो पिटाई लगती थी विदाउट एनी रीजन। अबू आए तो जी एक बार देख, वैसे मुफ्ती साहब इस पे कुछ है? मैं कथा करामी माजर, एक को तो गलती की वजह से पिटता है वो, और दूसरा वार्निंग के तौर पे ये किया तो इससे भी बुरा असर होना। आप बीच में जाते तो नहीं थे कि अबू ना मारे? नहीं, अबू ढूंढ के लाते थे, अबू हमें ढूंढ के निकालते थे कि इन्हें मारना है, और अबू कहते हैं कि अगर मैं ना मारता तो ये बिगड़े हुए होते, अब उनका ये कहना होता है। तो वैसे मुफ्ती साहब ऐसा है कि अगर एक को मारो तो उसका दूसरे को भी मारना है? नहीं, ये तो अब मिजाज पे है, बहरहाल यानी इसकी यही एक हिकमत हो सकती है, हिकमत सजा के तौर पर और आपको सबक सिखाने के लिए। आजकल ये भी होता है, एक को मार पिटती है दूसरा बेड पे लेट जाता है। अच्छा, ये हमने सब ट्राई करी है, मैं आपको बताऊं, जब मुझे मार पड़ती थी ना तो मैं जाके लेट जाता था, फौरन किताबें निकाल लेता था, कुछ ना कुछ होता था, लेकिन वो अब्बू ने कभी इंसाफ में कमी नहीं करी है, हमें ढूंढ के लाते थे, फिर मार पड़ती थी किसी ना किसी बात पे, मैं चीखता था तो उस पर से बच जाता था, लेकिन पिटा जरूर हूँ मैं। इस वक्त मुझे सहरी के टाइम पर याद आ गई ये बात, अपनी पुरानी है। अब आज का सवाल है और ब्रेक है, वो भी आप ही लिंक पे, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं रमजान हमारा ईमान और हमारी सहरी ट्रांसमिशन को, आप लोग जो है वो जरूर एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ हम भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चल के देखें हमारा सेगमेंट आज का सवाल। बात ये कि किसी दूसरे की नक्काली में करे या खुद शैतान की पैरवी में करे तो गुनाह तो गुनाह ही है। अगर वो रोज़ा नहीं रख रहा है तो बहुत बड़े फरीजे और रुकन इस्लाम, इस्लाम की बुनियाद जिन पांच पाँच चीज़ों पर है उसमें से एक रुकन को एक सतून को ढा रहा है दीन इस्लाम की। पूरा दीन इस्लाम पांच सतूनों पर कायम है, उनमें से एक सतून रोज़ा है। जिस शख्स ने रोज़ा को छोड़ दिया उसकी इमारत इस्लाम का एक सतून ढह गया है। अब खैर मनाए अपनी इस इमारत की, इस्लाम खतरे में आ गया है, वो इमारत खतरे में आ गई जिसका एक सुकून टूट चुका है। बहुत बड़ा सख्त हराम काम किया है उसने, चाहे वो दूसरों की नकाली में करे या अपने नफ्स की शरारत की वजह से करे। शैतान तो रमज़ान में कैद कर दिया जाता है, लेकिन शैतान अपना काम 12-11 महीनों में इतना कर चुका होता है कि रमज़ान में अगर उसको छुट्टी भी मिल जाए तो उसका काम उसका इंसान का नफ्स करता रहता है। ऐसे शख्स का नफ्स जो शैतान से बचने का एहतमाम और कोशिश नहीं करता, इस बात से डरना चाहिए ऐसे लोगों को, तौबा करना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए कि वो उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ा है। इस अपने आप को तुम मुसलमान कहते हो तो खुदा के लिए मुसलमान की इस्लाम की इमारत को तो न ढाओ।
रमजान हमारा ईमान में आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम डिस्कस कर रहे थे माशरा, पुलिस और हम, और फिर मुख्तलिफ और चीजें भी डिस्कस होती रही। उम्मीद है आप तक जो इसके मस्बत पहलू हैं वो पहुंचे होंगे और आप उस पर जरूर गौर करेंगे। कारी साहब क्योंकि यहाँ पर मौजूद थे, हमने इनकी राय इस हवाले से नहीं ली, हो सकता है शहरी होने के नाते इनके भी दिल में कुछ हो इस टॉपिक के हवाले से। जी कारी साहब, मैं तो ये कहूंगा कि पुलिस हमारे माशरे का हिस्सा है जी, हमें चाहिए कि हम इनके साथ हर लिहाज से तआवुन करें, क्योंकि ये नमाज के अवकातों में इसके अलावा भी ये हमारे मुहाफिज हैं, हमारे इसके लिए ख्याल के लिए खड़े होते हैं, तो इसलिए हमें भी इनका ख्याल करना चाहिए और पुलिस वालों को चाहिए कि वो रियायत के साथ अपने साथ दयानतदारी के साथ इनके साथ पेश आए, तो इंशाल्लाह ये माशरा हमारा दुरुस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी इन्होंने बात करी, इस पर मेरा ध्यान गया कि हम ये देख रहे होते हैं कि ईद हो जी, ड्यूटीज अपनी ड्यूटी दे, और अगर पांच अहलकार खड़े होते 500 नमाजियों को नमाज पढ़ा रहे तो उन 500 का सवाब मेरे ख्याल से उनको भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल मिलता है, और मैंने ईद के दिन देखा ये अपने आंखों से कि पुलिस वाला बेचारा गेट पे खड़ा हुआ था हमारे मदरसे के पास, ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था बेचारा, और उसके आंखों से आंसू निकल रहा था, तो मुझे इतना तकलीफ हुआ। फिर मैं उससे गला मिला, उसने मुझे कहा कारी साहब मुझे सिर्फ इस बात की तकलीफ है कि देखो कितने लोग आए हैं हजारों की तादाद में, लेकिन किसी एक ने भी मेरे साथ गला नहीं मिला। देखिए एट द एंड ऑफ द डे इंसान वो भी है, और देखिए फीलिंग कैसी इमोशनल बात इन्होंने बताई है, कैसी इमोशनल फीलिंग, आप उसे फैंटेसाइज करें। उसने महसूस किया ना दिल के अंदर अपने इस दर्द को महसूस किया यार मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ ये लोग क्यों नहीं मिलते। ठीक चीज है कि जो वो हमसे किसी माली मुआमनत का तकाजा नहीं कर रहा, बिल्कुल एक जज्बात है, एहसास है, उनके साथ भी वो शेयर करें, ईद तो उनके लिए भी है, लेकिन चले ड्यूटी में उनके गुजर रही है, तो हम कम अज कम जिस मोहब्बत का इजहार अपने अजीज व अकारिब के साथ करते हैं, तो यही जज्बा अगर उनके साथ भी शेयर किया जाए तो हमारा हिस्सा है। क्योंकि लोगों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये गलत है, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, पुलिस में अच्छे बुरे लोग हैं, मीडिया में अच्छे बुरे लोग हैं, हम सब हर जगह, अब वो हम एक सेंस बना लेते हैं कि इसने काली वर्दी पहनी है तो ये गलत है, और कभी कभी हम वो नाइंसाफी कर जाते हैं कि शायद उसका गुना हमें क्या मिलता होगा हमें खुद नहीं पता। और ये देखिए इज्जत और एहतराम तो हर जगह है। यहाँ पे मैं कुछ बताऊँ, लास्ट ईयर हमने ये कैंपेन शुरू की थी इम्प्रूविंग कम्युनिटी पुलिस रिलेशनशिप्स, और पूरा साल हमने इस पे बहुत काम किया एस एच ओस के साथ मिलकर, डीआईजी के साथ मिलकर, तो हमने लास्ट ईयर ईद जो है वो पुलिस के साथ सेलिब्रेट की थी, और हमने सोशल मीडिया के थ्रू तमाम लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि अपने अपने एरिया में एस एच ओस के पास जाइए, उनसे ईद मिलिए, उनको सवैया भी देकर आइए, उनका थैंक यू भी करें, और इस तरह से हमने की कि कोई अच्छा जेस्चर जो है वो पुलिस की और कम्युनिटी में हो, और जरा आपस में इनकी ग्रजेस थोड़े कम हो, तो इट वेंट वेरी वेल। तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, कितने अरसे से हैं आप ये तमाम काम करने में? मैं तो 10 इयर्स अब हो जाएंगे मुझे पुलिस के साथ, 2006 से 2006 से जी। उसके बाद आपने इनके बिहेवियर में ओवरऑल डीलिंग में फर्क देखा है? जी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बेहतर हो गया अभी एटीट्यूड एंड बिहेवियर पुलिस का, प्लस इम्प्रूवमेंट्स बहुत ज्यादा आई हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। देखें पहले ह्यूमन राइट का सब्जेक्ट नहीं था, अब हमने वो ह्यूमन राइट का सब्जेक्ट पुलिस क्यूरिकुलम में ऐड करवा दिया है, और 100 मार्क्स का पेपर होगा, तो रियली यस जो भी आपके एग्जाम्स देंगे सब इंस्पेक्टर्स या कॉन्स्टेबल्स, तो दे हैव टू गो थ्रू दैट 100 मार्क्स पेपर, तो फंडामेंटल राइट्स तो अब वो खुद ही पढ़ के आएंगे, तो दैट वाज अवर बिगेस्ट अचीवमेंट इन पुलिस डिपार्टमेंट। बड़ा हमने पुश किया, बड़ा पुश किया, लेकिन एक अच्छा काम हो गया। अच्छा कोई चीज जो कभी उन्होंने आपको बताई हो अपने अपने फीलिंग के हवाले से अपने दिल से, एनीथिंग दे हैव पुलिस ऑफिसर्स ने? ऑफ कोर्स वो बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, जैसे अभी एक इन्होंने मुफ्ती साहब ने शेयर किया कि वो पुलिस ऑफिसर को कोई नहीं मिला, ऐसी कोई बात जो सबसे ज्यादा जो है वो उनको इश्यू होता है कि उनकी वेलफेयर का ख्याल नहीं रखा जाता है, और उनकी सैलरीज बहुत कम है, पंजाब पुलिस के बराबर भी नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाह रही थी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की, आपको पता है जो उनके चेयरमैन थे मुमताज शाह साहब, उन्होंने उनकी सैलरीज डबल करवाई, और उनके साथ भी हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, मैं और मेरे कॉलीग जो फॉर्मर आईजी नियाज सिद्दीकी, हम दोनों ट्रेनिंग कंसल्टेंट थे, ही वाज़ द लीड ट्रेनर, तो उन्होंने जो पोजीशन होल्डर्स थे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको प्रोमोट भी किया, और उनकी पोस्टिंग डिफरेंट जगहों पे करवाई, तो
तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि वन लीडर ऑन द टॉप अगर वो करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है. यही गवर्नमेंट थी, सेम गवर्नमेंट, इन्होंने ही सैलरीज डबल की हैं. तो अभी जो हमारे करंट आईजी हैं, इन्होंने भी एक वेलफेयर बोर्ड कायम किया. अभी 3-4 दिन पहले मैंने न्यूज देखी है. सो ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हिज डिपार्टमेंट्स वेलफेयर एंड आई थिंक पॉजिटिव चीजें ही सामने नजर आएंगी. शेरी, एक और चीज भी बहुत वायरल हुई थी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे, वो शायद कंट्रोवर्शियल भी हो तो हम डिटेल में जाएं या ना जाएं, मगर एक पुलिस वाले के हवाले से था कि उनको खुदकुशी का कह दिया गया और उनको तो आप देखिए ये भी तमाम केसेस हैं जो होते हैं. बहुत दयानतदार लोग भी हैं जो हमें अपेरेंटली लगा. अब मामला और क्या है क्या नहीं है वो आप बेहतर बता सकेंगे. अभी तक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि वो आइदर मर्डर था या खुदकुशी थी, वो जानजेब या कुछ इस तरह. जी जी, ऐसा ही कोई नाम था. एसपी था वो बंदा. और ऐसे बहुत से केसेस हैं नुसरत. वो देखें वही बात है ना, हमें इंसान है जैसे, ऐसी पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, डिसहार्ट होते हैं. दोनों को जरूरत है. आज का जो टॉपिक था कि हमें अवाम और पुलिस का, तो उसमें हम दोनों को जरूरत है कि जो अवाम की गलती है वो अवाम कम करे. और पुलिस से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट करवानी है तो वो कोशिश करें कि अवाम के साथ दयानतदारी से काम करें. और इस सब्जेक्ट को और आज की इस ट्रांसमिशन को हम क्लोज करते हैं इस बात पर कि हमारी आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा. लेकिन हम चाहेंगे और बल्कि शहरी भी इस हवाले से परसू करेंगे और आप भी कोशिश कीजिएगा कि हमारे पास वो ऑफिशियल्स आएं जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जिनका बार बार नाम लिया गया है. हमें आगे के बारे में पता चले, हमें अपने शहर के बारे में पता चले, हमें अपने मुल्क के बारे में पता चले और पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे लोगों के दरमियान, हम सबके दरमियान एक हम आहंगी हो सके. तो कोशिश करेंगे इसके लिए. थैंक यू सो वेरी मच. बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका भी. थैंक यू रिदा, आपने बड़े खाने बनाए और आज आप चुप रही. ओहो, इनके साथ भी तो एक वाकया हुआ था, वो हम नेक्स्ट में बताएंगे. अच्छा, ये अपने वाकया छुपा लेती है ना. लेकिन इनकी पुलिस ने मदद की थी. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज के इनकी पुलिस ने मदद की थी, तो इनके लिए पॉजिटिव एक इंप्रेशन है पुलिस. अब वो बताना ही नहीं चाह रही क्या सुन ले उनसे. कल बताएंगे. लंबी कहानी है भाई, कल बताएंगे. लेकिन इनकी पुलिस ने मदद की थी सिक्योरिटी के हवाले से, तो ये एक अच्छी चीज है. लोगों के अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हैं. आप अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए. इस वक्त आजाने फजर का वक्त हो जाएगा कुछ देर बाद, तो खुसूसी दुआ में याद रखिए. फिर आपसे मुलाकात करेंगे. टेक केयर, अल्लाह हाफिज. वेलकम बैक खवातीन हज़रात. हम मेरे फेवरेट सेगमेंट में हैं कि जहाँ पे हम स्कॉलर्स के साथ एक इल्मी बहस छेड़ते हैं. एक मजहब के बारे में हम चाहते हैं कि हमारे इल्म में भी इजाफा हो और आपके इल्म में भी इजाफा हो. आज हमारा टॉपिक जो है वो मेरे ख्याल से कि आज पूरी दुनिया के अंदर उसके असरात जो हैं वो नुमाया हैं. टॉपिक बेसिकली इस चीज़ का है कि आखिर वो मज़हब में या कुरान में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन सी ऐसी कोई बातें हैं जो कि कहीं रिमोटली अप्लाई करती हैं कि आप किसी दूसरे मुल्क में आम लोगों के ऊपर फायरिंग कर दें वहाँ पे, चाहे वो जो मर्जी कर रहे हो. जैसे कि ऑरलैंडो के अंदर जो है वो फायरिंग की गई, वहाँ पे 50 से ज़ायद अमरीकी शहरी मारे गए. इस बात का अंदाज़ा मुसलमानों को है कि हमारे साथ जो सीरिया में हो रहा है, जो फलस्तीन में हो रहा है, जो इराक में हो रहा है, जो यमन में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, पूरे मिडिल ईस्ट में, मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान इस वक्त वो वाहिद कम्युनिटी हैं जिनके मुल्कों में इन्वेजन्स की गई, उनके खिलाफ जंगें नाफिज की गई. लेकिन क्या इस्लाम हमें ये इजाज़त देता है कि हम जंगी मैदान से बाहर निकल कर अगर हम दुश्मन के आम लोगों को मारें, क्या वो किसी तरीके से जस्टिफाइड है दीनी तौर पे? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद जहीर साहब, आगा नादर साहब, अंसार बरनी साहब और जमील राठौर साहब. तो सर, मैं डिस्कशन आपसे शुरू करूंगा कि मैं उस टॉपिक पे जाइए कि जस्टिफाई कैसे किया जाता है, किन चीजों को इस्तेमाल करके किया जाता है कि दुश्मन के
आम लोगों को मारने के लिए, कौन सी वो आयात है या कौन सी कोई ऐसी हदीस है? हमजा देखें, एक तो आपने वो हालात और पस मंजर बयान कर दिया बजा तौर पर कि मुसलमानों के साथ इस वक्त जो सूरत हाल दो चार है, लेकिन ये यहूद की, अमेरिका की, हिंदुस्तान की साजिश हो यकीनन होगी, यकीनन वो हमारे साथ जो मामला कर रहे हैं वो अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक वो हमको दबाना चाहते हैं, मगर हमें फेयर मुनसिफ होना है और हमें इस बात को समझना है कि हमारे ये लोग मुसलमान जो मिलिटेंट्स हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, जो दीनदार होते हैं, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, बहुत से, इनको एक नैरेटिव सिखाया गया है, इनको दीन के हवाले से ये बात समझाई गई है कि ये गैर मुस्लिम, ये काफिर हैं, इनसे हमारी लड़ाई है, हम दारुल इस्लाम हैं, वो दारुल हर्ब हैं, और कुरान मजीद में वो आयात कि जो दर हकीकत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्माम हुज्जत के बाद, जैसा कि अल्लाह का कानून है तमाम रसूलों के मामले में, आप अल्लाह के आखिरी रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने अपनी कौम के ऊपर हुज्जत तमाम कर दी तो अल्लाह का अजाब इस कौम पर भी आना था, जैसे कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम शुएब, कौम लूत अलैहिस्सलाम पर आया। ये कुरान में बार बार बताया गया, ये थीम इतनी रिपीट हुई है कुरान में कि कुरान का हर पढ़ने वाला उसको जानता है। अल्लाह ताला ने मजीद ये वजाहत फरमाई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में ये अजाब आएगा मुसलमानों की तलवारों के जरिए से, और वो अजाब आया, और अल्लाह ने यह वाजे किया कि यह अजाब है इसलिए कि आप और मैं जानते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान को कत्ल कर ही नहीं सकता। ये कुरान ने बताया है कि एक जान का कत्ल करना इतना घिनौना जुर्म है कि गोया कि आपने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। लेकिन इसके बावजूद उस जमाने में मुसलमानों की तलवारों से लोग कत्ल हुए, तो अल्लाह ताला ने वाजे फरमाया युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह इनको अजाब दे रहा हमारे हाथों से। जब बद्र की लड़ाई में बाज लोग कत्ल हुए तो अल्लाह ताला ने वाजे फरमाया फलम तक्तुलूहुम, तुमने उनको कत्ल नहीं किया, वलाकिन्नल्लाह क़त्लहुम, बल्कि अल्लाह ने उनको कत्ल किया। ये आयात आज भी मौजूद हैं कुरान मजीद में, आयात मौजूद हैं कि फ़क्तुलुल मुशरिकीन हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, कत्ल करो इन मुशरिकों को जहां कहीं पाओ। ये बात वाजे है कि ये असल में उस अजाब का बयान था, लेकिन लोगों ने इसको जनरलाइज कर लिया, वो आज भी इसके कायल हैं, इसकी तिलावत करते हैं, लोगों को बयान करते हैं, सर वो लोगों को कन्विंस करते हैं, नौजवान इससे जज्बे में आते हैं, और फिर वो पस मंजर जो आप बयान कर रहे हैं कि जाहिर है कि गैर मुस्लिमों ने हमारे साथ ज्यादतियां की हुई हैं, हम मगलूब हो गए हैं, तो एक जानब ये पस मंजर और दूसरी जानब ये नैरेटिव, बहुत से नौजवान मुसलमानों को कि जो दीन पर अमल करना चाहते हैं उनके अंदर एक जज्बा जिहाद पैदा करते हैं, और उसके बाद वो क्योंकि गुस्सा तो मौजूद है सर हमारे साथ जो हो रहा है पूरी दुनिया में, सबसे बड़ी मिसाल उसकी फलस्तीन, मेरे ख्याल है कि महज़ब कौमों के मुंह पर एक बहुत बड़ा थप्पड़ जो है वो फलस्तीन है कि हम ऐसी सिविलाइज दुनिया में रहते हैं कि जहां पर एक कौम के साथ उसको स्लेव बना के रखा जा रहा है पिछले कोई 70 सालों से, लेकिन दुनिया चुप है, दुनिया कुछ नहीं कह रही। लेकिन क्या उस गुस्से के होने के बावजूद, उस गमो गुस्से और सेंस ऑफ एक्सप्लोटेशन के होने के बावजूद, क्या मैदान जंग के बाहर दुश्मन के आम लोगों को, बच्चों को और बीवी औरतों को, उनकी बहनों को रैंडम फायरिंग करके मारना मैदान जंग के बाहर किसी भी रीजन की वजह से कितना जस्टिफाइड है? अजान की ब्रेक लेंगे, हमारे साथ चारों हमारे स्कॉलर्स मौजूद हैं, और वापस आएंगे अजान के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात, अफ्तार के बाद हम आपके साथ हाजिर हैं अपने डिस्कशन के साथ। डिस्कशन का टॉपिक वो ये है कि हमारे दीन के नाम पर कुछ ऐसी ऐसा वायलेंस हो रहा है दुनिया के अंदर जिससे मुसलमानों के लिए खास तौर पे बहुत सी मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं, और इस्लाम के बारे में
منفی باتیں کرنے کا دشمن کو بھی موقع مل رہا ہے. تو ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ جنگ کے میدان کے باہر کیا کوئی ایسی گنجائش ہے اسلام کے اندر کہ جنگ کے میدان سے باہر آپ دشمن کے سویلینز کو، ان کے بچوں کو، عورتوں کو، ان کے مردوں کو بھی کیا آپ ان کو مار سکتے ہیں؟ ہمیں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کا جو ہے وہ موقف ملا افطار پہ جانے سے پہلے. سر اگر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اسلام کے اندر گنجائش ہے کوئی کہ میدان جنگ سے باہر؟ شیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم. جناب آپ نے جو یہ موضوع چھیڑا ہے یہ یقیناً بڑا غور طلب ہے اور بڑا ڈسکس اس پہ ایک طویل ہونی چاہیے. ابھی جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میں انہی کی بات کو آگے لے کے بڑھوں گا. اسلام میں کسی بھی صورت میں انسانیت اور اخلاق سے باہر چیز کی اجازت دی ہی نہیں جا سکتی. جناب نبی مکرم نے علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کو اخلاق اور انسانیت کی حیثیت میں 40 سال پہلے منوایا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پہلے اس مخلوق کو ایک بہترین کردار سے، اخلاق سے اس مخلوق کو انسان بنایا. جب ان میں سے چند انسان بن گئے تو پھر ان کو مسلمان بنایا. پروردگار عالمین نے واضح طور پہ قرآن مجید میں یہ چیز کو کہہ دیا تھا بہت پہلے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ لوح محفوظ پہ قرآن ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. قلب مصطفیٰ پہ جس طرح نزول ہوا اس کا، وہ سب کے سامنے پروردگار واضح طور پہ کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، ڈکلیئر کر دیا پروردگار نے قسم کھا کر، عصر کی قسم انسانیت کے سارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو عمل صالح کرتے رہے، ایمان لائے اور عمل صالح کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی پیروی کی، صبر کی تلقین کری، حق کی تلقین کری، وہ لوگ کامیابی ہے. واضح طور پہ اللہ نے ایک ڈکلیئر لائن کھینچ دی ہے، انسانیت سے گر کے کوئی کام کرو گے والعصر ان الانسان لفی خسر، تم خسارے میں ہو، تمہاری جو پیروی کریں گے وہ خسارے میں جائیں گے. رب العزت کو اس سے کوئی آر نہیں ہے کہ وہ جہنم کو بھر دے گا. تم کو میں نے شعور دیا ہے، فکر دیا ہے. سب سے بڑی چیز ہے تمہارے بیچ میں اپنا محبوب میں نے اتار کے تمہارے اندر انسانیت کو، اخلاق کو، انسانیت کو، علم و شعور کو، معرفت کو کامل بلکہ اکمل کر دیا. اس ایک ذات کی وجہ سے کون سی ایسی چیز ہے شریعت مصطفیٰ میں جو کہ جناب ختمی مرتبہ ہمارے سامنے بتا نہیں گئے یا سمجھا نہیں گئے؟ کسی بھی انسان کو کیا کسی جانور کو تم نہیں مار سکتے؟ اللہ نے کہا حلال جانور کو ذبح کرو تو اللہ اکبر کر کر میرے اوپر اس کو ڈال دینا، اس کے خون کو، اس قربانی کو، اپنے اوپر اس کو بھی مت لینا. تو سر وہ جو نوجوان تھا جس نے اورلینڈو میں یہ کیا یا جو باقی ملکوں میں کرتے ہیں، انہی کے ملک میں انہی کے لوگوں کو مارتے ہیں، سر وہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ دیکھیے وہ امریکہ میں ہی پیدا ہوا، ہاں امریکہ ہی ماحول میں، 29 سال 30 سال اس کی عمر تھی، چھوٹا بچہ نہیں تھا وہ. آپ یہ دیکھیں کہ وہ وہاں کے لوگوں کی کتنی نفرت دیکھ رہا ہوگا، اس کو واچ کر رہا ہوگا جو وہ اس مقام تک. کوئی نہ کوئی دیکھیں بیک گراؤنڈ ہوگا اس کا، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اتنا بڑا اقدام کرے اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو. سر حضرت علی کا ایک مثال دیتا ہوں میں، کہ بہت مشہور مثال ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ جنگ کے اندر تھے تو انہوں نے تلوار اٹھائی اور جیسے ہی وہ دشمن کو مارنے لگے تو اس نے تھوک دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے منہ. جی 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 جی. تو انہوں نے تلوار واپس کر لی. انہوں نے کہا اب میں اگر تمہیں ماروں گا تو میں تمہیں اللہ کے لیے نہیں مار رہا، میں تمہیں اپنے غصے کی وجہ سے مار رہا ہوں. سر سوال یہ ہے، ہم سب کو دکھ ہے اور جو بھی مسلمان ہے پوری دنیا میں، اس کو فلسطین سے لے کے عراق، سیریا، سارا معاملہ پتا ہے ہمیں، لیکن کیا اسلام گنجائش دیتا ہے یا ہم اپنے غصے میں آ کے اگر کسی کو مارتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے؟ اس قسم کے دھماکے خود ہمارے مکتب اہل تشیع میں خودکش دھماکہ حرام ہے. خودکشی حرام ہے کسی بھی صورت میں ہو، کسی حالت میں جائز نہیں ہو سکتی. اور کسی بھی انسان کو جو وہ بے گناہ ہے اس کو مارنے کا آپ کو کبھی بھی شریعت نے اختیار نہیں دیا. آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ میں سب کچھ ہو رہا ہے، یورپ میں ہو رہا ہے، ابھی 2 دن پہلے شام میں جس طرح سے اولاد نبی کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی جناب زینب کبرا کے مزار پہ کس طرح دھماکہ کیا، کتنے لوگوں کو شہید کیا. اسے کہیں گے آپ مسلمان مسلمان کو ہی مار رہا ہے، مسلمان ہی غیر مسلم کو مار رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی لابی کام کر رہی ہے؟ اسلام میں کبھی خطاً گنجائش نہیں. سر
कोई ऐसी आयत एकदम नहीं, कोई ऐसी सवाल ही नहीं पैदा खजाने में से कुछ ऐसी चीज़। आप अपने हाथ से ना खुदकुशी कर सकते हैं ना हक अपने हाथ से किसी को मार सकते हैं। दो चीजों पे इजाजत दी, अपना घर, अपनी इज्जत, अपनी आबरू बचाने के लिए तुम कत्ल कर सकते हो। शरण तुम्हें इजाजत दी, वो तो घर में कोई डाकू सर, वो तो लॉजिकली भी समझ आता है। अपने बाउंड्री की हिफाजत के लिए दिफा, वो भी तुम दिफा पे मार रहे हो, अटैक में नहीं मार रहा है। बिल्कुल सेल्फ डिफेंस में तो जायज है, सेल्फ डिफेंस की जायज। लेकिन अब मैं जमीला ठोस साहब आपके पास आता हूँ कि एक दूसरे मुल्क में जहाँ का कानून फर्क है, हुकूमत कुछ और है, वहां पे सर इस प्रीटेक्स्ट में कि ये मुल्क के फौजी मुसलमानों को मार रहे हैं, वहां के सिविलियंस को मारना, कहीं दीन में कोई ऐसी इजाजत है? और अगर नहीं है तो वो कौन सी ऐसी कुरानिक वर्सेस हैं या हदीस हैं जिनको मैनिपुलेट करके उन नौजवानों को पेश किया जाता है और बहुत से नौजवान उनको मान भी लेते हैं? जब मैं आपको सच बताऊं या पेंट करके बताऊं? नहीं नहीं सर, सच बताएं, बिल्कुल सच बताएं। सच तो ये है कि आज से 150 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये फार्मूला बनाया है कि मुसलमानों में ऐसी पायरेक्सीज बनाई जाए कि जो मुसलमानों को मारे। वो ब्रिटिश एम्पायर थी, वो बनाया गया, ठीक है ना। और हजारों मुसलमान ताइफ में कत्ल किए गए, उसमें कत्ल किए, जबान के नाम पर सन ऑफ सॉइल का नारा लगाया। यही फार्मूला जब रशिया इन्वेड करता अफगानिस्तान में, तो यही फार्मूला अब दोबारा से लॉन्च किया गया, नए यही मशरूब नए गिलासों में दोबारा से लोगों को पिलाई गई और लोगों ने बड़ी पी। होता क्या है कि जब आप दूसरों को पत्थर मारते हो तो कभी कभी आपके अपने हाथ से पत्थर गिर के आप पर भी गिर जाता है। लिहाजा ये जितनी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी की सारी मुसलमानों को उसका मैसेकर करने के लिए बनाई गई थी। और हुआ, आप ये देखिए आज 50 वहां पर लोग हलाक हो गए। हमें अफसोस है, बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ मुस्लिम, हमें अफसोस है, रहेगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो हजारों लोगों को मार दिया गया, तकरीबन 1 लाख के करीब लोग पहुंच रहे हैं, वो कौन थे? वो यही लोग थे। दाइश किसने बनाई? आज मौलवी फजलुल्लाह अफगानिस्तान में बैठ के मुसलमानों पर हमला कर रहा है अमेरिका की बगल में बैठकर, तो ये क्यों हो रहा है? क्या वो नहीते मुसलमानों को नहीं मार रहा? क्या वो बाकायदा एक वॉर हो रही है, अलल ऐलान जंग हो रही? नहीं हो रही। ये जितनी भी है ये पायरेसीज, ये जो है लोगों को छुपकर हमला करना, घात लगाकर हमला करना, इसकी इब्तिदा इसके फाउंडर खुद अमेरिका है। तो यानी कि जो लोग गैर मुस्लिमों को भी इनोसेंट नॉन मुस्लिम्स को मार रहे हैं और जो मुसलमानों को मार रहे हैं वो शायद एक ही आइडियोलॉजी से। नॉन मुस्लिम की तादाद तो आटे में नमक के बराबर है। हाँ, जैसे कभी कभी फ्रांस में हो गया, अमेरिका में हो गया। असल में देखा होता हूँ, असल में तो ये मुसलमानों को मारा जा रहा है। अब दाइश किसने बनाई? अमेरिका ने। अलकायदा किसने बनाई? अमेरिका। हु वाज द ओसामा बिन लादेन, ठीक है ना, आपको सबको पता उनकी हिस्ट्री, ठीक है ना। ये सारी जो चीजें हैं ये अमेरिका ने बनाई मुसलमानों को मारने के लिए, आम मुसलमानों को, नहीं थे मुसलमानों को, ठीक है ना। और फिर उसी की एक किस्त ड्रोन की शक्ल में भी जारी हुई। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कभी कभार जब ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों को उनके जज्बात से कुरान की आयतें सुनाकर, उनके इस्तेहसाल करके उन्हें अपनी तरफ बुलाते हैं, तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रियल इस्लाम की खातिर, इस्लाम की तरह इतना गुस्सा दिला दिया जाता है कि फिर वो आम लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। लिहाजा आम लोगों को नहीं मारना चाहिए। मैं समझता हूँ ये उसी की किस्त है कि जो उन्होंने हम पर लागू की थी, ये पलट कर रिएक्शन के तौर पर उन्हीं पर कभी कभार गिर जाता है जो जिसका ऑरलैंडो शिकार होगा। सर लेकिन इस्लाम के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश नहीं? इस्लाम ने तो कहा मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन, इस्लाम तो इंसानियत की तकमील का मजहब है, इंसानियत की आला और इंतहाई अकदार का मजहब इस्लाम है। फरमाया मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन व फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीअ व मन अहया फकअन्नमा अहया अन्नास जमीअ, जिसने किसी एक इंसान को, बेगुनाह इंसान को मारा बगैर किसी रिटेलिएशन के, तो उसने गोया अल्लाह की बनाई हुई सारी नौई इंसानियत को मार दिया। और जिस किसी ने एक इंसान को बचा लिया उसने अल्लाह की सारी मखलूक को बना लिया। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने किसी जिम्मी को, नॉन मुस्लिम जो कि इमिग्रेंट होता है, मुसलमानों की जिम्मेदारी होता है, उसको अगर किसी ने बेगुनाह मार दिया तो फरमाया जन्नत तो दूर की बात है, अल्लाह उसको जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर देगा। और जन्नत की खुशबू 40 साल की दूरी, 40 साल की मुसाफत से जन्नत की खुशबू आएगी। आपने सही फरमाया, अल्लाह जन्नत की खुशबू से महरूम कर देगा। और ऐसे वाकयात हुए हैं कि किसी ने नॉन मुस्लिम को मारा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे खुलफाए राशिदीन के दौर में बदले में मुसलमान को हैंग किया गया, मुसलमान का सर कलम किया गया। ऐसी हमें हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं।
लिहाजा इनोसेंट मुसलमान को मारने की तालीम इस्लाम तो बहुत आला मजहब है, मेरे ख्याल में कोई मजहब नहीं देगा। और ये पॉलिटिकल एक वॉर है जो कि इन फ्रंट ऑफ कैमरा भी है, बिहाइंड द कैमरा भी है। तो बिहाइंड द कैमरा जो जंग चल रही है, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बने, कौन इनको फंडिंग कर रहा है, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया से जो जिहाद के नाम पर आज बोलते हैं कि जनाब हमारे तालीमी निसाब से जिहाद निकाल दो, मैं कहता हूं ये जिहाद डाला किसने था? पाकिस्तान ने नहीं जनाब, ये जिहाद भी खुद उन्हीं की फरमाइश पर डाला गया था। और अल्टीमेटली मैं आखिरी बात ही कह दूं इस जमन में कि पाकिस्तान इस्लाम को प्रैक्टिस करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अलमिया यह है कि जिन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी इस आकर उनको सरों का ताज बना दिया गया, उनको नसाब में डाल दिया गया, जिन्होंने काफिर आजम कहा उनको आज माशाल्लाह आज तमगा हुस्ने कारकर्दगी दिया जा रहा है, जिन्होंने काफिरिस्तान कहा हमने आज उनको सर का ताज बना लिया है। तो आपने तो अव्वल दिन से अपने निसाब को बिगाड़ कर रख दिया, तो सही पाकिस्तानी कहां से पैदा होगा, सही मुसलमान कैसे, कहां से पढ़ेगा, कहां से दीन हासिल, हमारे मदारिस में तो एक मखसूस तालीम दी जाती है। बिल्कुल, बरेलवी मकतब फिक्र वहां देवबंदी नहीं आ सकता, देवबंदी मकतब फिक्र वहां पर कोई एलेदशी नहीं आ सकता, वहां पर तो बाकायदा हमने तालीमी दर्सगाह नहीं बनाई, हमने सेक्ट की दर्सगाह बनाई है। लिहाजा जहां पर वो जाएगा भट्टी से वैसे ही रॉ मटेरियल जाएगा और वैसे ही वो खाम माल वो निकल कर आएगा। लिहाजा कहने की बात यह है कि ये जो जितनी भी मैसिकर्स हो रहे हैं जो हो रही है, ये मजहबी नहीं है ना इंसानी, ये पोलिटिकल है, ये पोलिटिकल है और आइडियोलॉजीज को मैनिपुलेट करके। और देखिए इससे किसको फायदा हो रहा है? इसको मुसलमान को नहीं जनाब, हम तो भर रहे हैं तो नुकसान है। तो हमारे तो इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, कलंक का टीका बनाया जा रहा है, आज इस्लाम को जो टेररिज्म से रिलेट किया जा रहा है, लिहाजा इसको पाकिस्तान को इस्लाम को सबको बदनामी मिल रही है। और बदनामी देने वाले खासतौर पर उन मुसलमानों को जो अमरीका में रहते हैं, उनकी जिंदगी को भी और अजाब किया जा रहा है, जिनके जरिया माश वहां पे है, जिनके खानदान वहां पे हैं, उनको भी हम मसले में डाल। जब कत्ल किया जाता है ना, कत्ल किया जाता है तो ये पूछा जाता है कि इस कत्ल के असबाब क्या थे, ठीक है ना। तो आज जो इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है तो ये तो सोचें कि इसके असबाब कौन है और वजह कौन है, ये कौन यूज हो रहा है और कौन करवा रहा है। सर एक मिसाल, दो सवालों के जवाब आप तलाश कर ले, आप यकीन जानिए आप कौम पर एहसान कर दें। सर एक मिसाल दूं मैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर एक बड़ी रवायत होती थी असैसिनेशंस की, के जासूस भिजवा के कत्ल कराया जाता था। उस वक्त भी दुनिया में रवायात थी दहशतगर्दी की के दुश्मन के इलाके में जाकर औरतें और बच्चों को मार दिया जाता था और फिर वापस आ जाते थे। मामला सिर्फ मैदान जंग तक नहीं रहता था, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी के अंदर आप देखिए कि जो गजबात हुए, जो जंगें हुई, वो सिर्फ मैदाने जंग तक रहीं, मैदाने जंग से बाहर नहीं गई। मुसलमानों की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चारों खुलफा के अंदर कोई ऐसी मिसाल नहीं पाई जाती कि आपने हम में से किसी ने दुश्मन के इलाके में भेजा हो किसी को, वो सरेआम सबको कत्ल करके वापस आ गया हो। जब भी मुसलमानों ने जंग की, मैदाने जंग तक महदूद रहे और सिर्फ उस दुश्मन पर हमला किया जो मैदान जंग में मौजूद था और जिसके पास हथियार था। ये शब खून मारने की रिवायत कहां से शुरू हुई? ये हजाज मुकद्दस में जब टर्किश गवर्नमेंट थी, बाकायदा शब खून मारा गया वहां पर। फिर यहाँ इस बर्रे सगीर के अंदर एक शख्स को खड़ा किया गया और वो कभी सिखों पर शब खून मारता था, कभी इस पर। तो ये शब खून मारना हमारी रिवायत तो नहीं, हमारी रिवायत नहीं है, ये नॉन मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस या समझ ले ब्रिटिश एम्पायर ने पैदा की अपनी जरूरियात के लिए। पॉलिटिकल मसाइल है, लेकिन सर भुगतना अंसार बनी साहब आपकी तरफ आऊंगा कि हम भैसे ये तो जारी रखेंगे कि पोलिटिकल इशूज हैं, दीन के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब ये होता है ऐसा कोई वाकया तो मुसलमानों को सफर करना पड़ता है। तो आइडियोलॉजिकली तो हम इस पे बहुत कुछ करना चाहेंगे फ्यूचर में भी कि इसको एक्टिवली हम डिनाउंस करें इस तरह के वायलेंस को, लेकिन सर क्या कोई जस्टिफिकेशन है कि मैदान जंग के बाहर, क्योंकि सर फोकस इस वक्त ये है कि जिहाद का आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का दायरा कार जो है वह मैदान जंग, उसके बाहर तो वायलेंस किसी तरीके से भी अलाउड नहीं है। मैं उलमा इकराम के दरमियान बैठा हुआ हूँ, जैद उलमा है ये, जो मैं थोड़ी सी नाकिस लकर रखता हूँ उसके तहत जो मैंने पढ़ा उसमें आप मैदान जंग से निकल के हरे भरे दरख्त को नहीं काट सकते यार, इंसान को तो छोड़ो, इंसान को तो छोड़ो,
درخت کو بھی کہتے ہیں ان کو بھی زندگی ہے, تم اس درخت کو نہیں کاٹ سکتے, تم ہریالی کو نہیں کاٹ سکتے, تم اناج کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, تم دریاؤں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. انسان تو بہت ہی افضل چیز ہے نا, اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور اشرف المخلوقات کا قتل جیسے جمیل صاحب نے فرمایا, باقی ڈاکٹر صاحب نے اور علامہ نے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل روح انسانیت کا قتل ہے. اس میں اس نے کہیں نہیں لکھا مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی, اس نے کہیں نہیں لکھا, اس نے کہا ایک انسان کا قتل, کیونکہ انسان کو پیدا کرنے والا وہ مالک ہے, اور اس مالک نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد رحمت للعالمین کی شکل میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما دی. ان سے بڑھ کے دنیا میں نہ کوئی رحمت کرنے والا آیا ہے اور نہ رحمت کرنے والا آ سکتا ہے. لیکن یہ ایک سازش کا حصہ ہے, جس طرح ابھی بات بحث ہو رہی تھی کہ انسان کو کاٹا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, مطلب یہ کہ اس سے بڑی لعنت. اچھا یہ مسلمان کو سکھایا کس نے؟ یہی تو بات ہے نا, مسلمان کو اسلام کی تعلیمات تو کس نے سکھایا؟ اور یہ صرف یہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے سر کہ اسلام 1400 سال سے, لیکن یہ جو مذہب کے نام پر دہشت گردی ہے ابھی صرف 20-25 سال کا ہے, یہ ابھی آیا ہے. اگر اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہوتا تو یہ تو حمزہ میاں, مگر استعمال ہم ہی ہو رہے ہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, استعمال ہم ہی ہو رہے ہیں. کون استعمال ہو رہا اور کون فائدہ اٹھا رہا, اس کا جواب تلاش کریں. استعمال ہم ہو رہے ہیں, استعمال تو ہم ہو رہے ہیں, تو ہم اپنے نوجوان استعمال کون ہو رہا ہے؟ ہم نہیں ہو رہے, ہم نہیں ہو رہے, ہم پانچ میں سے نہیں ہو رہے, ادھر جتنے بیٹھے یہ بھی نہیں ہو رہے, میرے ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی نہیں ہو رہے, تو کون ہو رہا ہے؟ Who is being used? سر پلیز سے کلیئرلی, جن کو کہیں مفادات دیے جا رہے ہیں, آپ روس کی جنگ, امریکہ کی جنگ پاکستان میں بیٹھ کے لڑ رہے ہیں یار, تو جہاد تھا, جب وہ جنگ رک گئی تو آپ دہشت گرد ہیں. بڑی واضح سے فرق ہے, بہت واضح فرق ہے. وہی افغان طالبان جو ہیرو ہوتے تھے. انصار بھائی, انصار بھائی میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کو اپنے ملک میں آپریشن ضرب عصف کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیوں شروع ہوا یہ؟ اس کے اسباب دیکھیں کہ آپ نے جو آگ وہاں لگائی تھی امریکہ نے, اس پورے ملک کو جھونک دیا, ہم اتنے مجبور ہو گئے آج اپنے لوگوں کے خلاف ہم کو اپنی آرمی کو بالکل لانا اور بریک پہ اور یہ اگر آپریشن نہ ہوتا ہم اس سے بری حالت میں ہوتے, ہم ختم ہو گئے, ختم ہو گئے ہوتے. یہ میں کہتا ہوں شکر ہے اللہ کا بہت بڑا کہ بر وقت ہمارے آرمی چیف کو, اب ہمیں ضرب عزب کا سپاہی بننا چاہیے. ہم کتنے مجبور ہوئے, میں آپ کو بتاؤں, بریک لینے میرے پہ پریشر ہے. ایک تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنی پاک فوج کو جنہوں نے ہمیں بہت سی چیزوں سے بچا کے رکھا ہوا, اگر شاید وہ نہ ہوتے بالکل, اگر آج ہماری ایجنسیاں نہ ہوتی اور ہماری پاک فوج نہ ہوتی یا وہ کمزور ہوتی تو ہم شاید آج یہاں بیٹھ کے یہ شو نہ کر رہے ہوتے, اپنے گھروں میں نہ رہ رہے ہوتے. سلام ہے پاک پاک جی, ویلکم بیک خواتین و ذات. ہم لوگ اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ایک سوال پوچھوں گا آڈینس سے, کیونکہ کافی دیر ہو گئی, آڈینس جو ہے وہ تھوڑا چاہ رہی ہے, تو ایک سوال ہے جو اس کا جواب دے گا اس کا انعام بھی بہت اچھا ہوگا. ذرا غور سے سنیے گا سوال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ غزوہ میں شرکت کی اور اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ بتائیے جی. وہ اوپر دیجئے نا مائک, کاوش اوپر دو, اوپر دو جی. جنگ بدر جی سر. عمر ابھی تو عمر نہیں, اور ہاں جی ان کو دیجیے. سر جنگ بدر بھی کی تھی, جنگ خیبر بھی کی تھی, دو تین جنگ کی تھی. اور انہوں نے ایک سوال ایک جواب, دیکھیں سوال دوبارہ سن لیں. ارے یہ کیا ہو, دوبارہ سن لیجئے, وقت لے لیجئے, ہم آپ کو واپس آئیں گے اسکالرز کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں شرکت کی اور اس وقت عمر مبارک کیا تھی؟ سوچ لیجئے, مشورہ کر لیجئے, جس کو جواب آ جائے. البتہ سر یہ جنگ بدر تو نہیں تھی پہلی جنگ, نہیں پہلی جنگ نہیں, عمر پوچھ رہے, عمر
जो पहली जंग थी उसमें सरकार की उम्र क्या थी, एज क्या थी? सोच लीजिए सर, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं क्योंकि इस सवाल के जवाब का इनाम जरा ज्यादा है, तो इस तरह से आराम से सोच लीजिए, वापस आएंगे। ये तो अभी एसएमएस पे जवाब आ जाएगा इनको, कहीं से आ जाए अच्छे ऑडियंस तक भी नॉलेज पहुंचे। सर अब जरा मशवरा भी कीजिए, लेकिन ये जरा खामोशी से कीजिए। सर वापस इस बात पे आते हैं कि इस्लाम में जंगें भी हुई, इस्लाम को एक जमाने में परसिक्यूट भी किया गया, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जंग का हुक्म भी आया, जिसमें कुछ ऐसी आयात हैं जिनको मैनिपुलेट भी किया जाता है, और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथियार भी उठाए, तो सर वो वायलेंस मैदान जंग तक महदूद रहा। मुसलमानों ने यह कभी नहीं किया कि अगर उन्होंने, कुफार ने हमारी खवातीन को मोलेस्ट किया है तो भाई हम भी करेंगे, या कुफार ने अगर हमारे सिविलियंस को मारा है तो हम भी मारेंगे। तो सर इसके बारे में जरा एलाबोरेट कीजिएगा। देखिए जी, बहुत सी बातें जमा हो गई हैं। एक तो ये बात कि मैंने जैसा कि पहले गुजारिश की कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इजाज़त भी मिली तो दो सूरतें थीं। एक तो ये कि कुफार ने हमला किया और उस हमले का मुकाबला किया गया और वो मैदान जंग में किया गया, किसी नॉन कम्बैटेंट के ऊपर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं थी। हद ये है कि वो लोग के जो सपोर्ट करने आते थे, वो ख्वातीन के जो शायरी के ज़रिए से उनको मोटिवेट करती थीं अपने फौजियों को, उनके ऊपर भी हाथ उठाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन ये भी सवाल पैदा होता है कि मैदान जंग में भी तो आखिर इंसान ही होते हैं, यानी वहाँ भी जो मरते हैं वो इंसान मरते हैं। तो मैंने गुजारिश की कि उसकी दो ही वजूहात थीं, एक ये कि कोई हमलावर हुआ तो दिफा किया गया, और जाहिर है कि जब आप दिफा करते हैं तो फिर अगर कोई आप पे हमला करता है तो आप भी उसके ऊपर हमला करते हैं। सर वो तो हक है। दूसरी चीज कुरान मजीद में, और ये बात हमजा बहुत वाजे तौर पर समझ लेनी चाहिए, अल्लाह ताला ने वो कानून बयान किया है जिसको मैंने पहले भी बताया कि अल्लाह ने अपने रसूलों के जरिए से जब उनकी कौमों पर बात आखिरी हद तक वाजे कर दी तो उसके बाद उनके ऊपर अजाब आया। ये अजाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम पर आपके साथियों की तलवारों के जरिए से आया। ये फैसला हो गया था कि जजीरा नुमाए अरब पर अब ये दीन गालिब आएगा। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली वलव करहल मुशरिकून। ये ऐलान हो गया कि अब चाहे ये मुशरिक कितना ही इसको नागवार क्यों ना समझें, ये होके रहेगा कि जो दीन हक आप लेके हैं वो गालिब आ जाएगा। अब हुआ क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ कि आज आपके इस मुल्क में और पूरे आलम इस्लाम में ऐसी मूवमेंट्स हैं जिनकी बहुत फॉलोइंग है, जो इस बात का प्रचार करते हैं कि हमें इस दीन को हमजा मिलिटरली पॉलिटिकली पूरे ग्लोब के ऊपर डोमिनेट करना है। ये बात बताई जाती है कि जब तक ये नहीं होगा आपका ईमान नामुकम्मल है, आपका मकसद इनकम्प्लीट है। आप सोचिए, आपके अंदर भी मैं देखता हूँ आप नौजवान हैं और बड़ा जज्बा है, और आपके जज्बे का इजहार ज़रा डिफरेंट तरीके से हो रहा है, लेकिन इमेजिन करें कि अगर आप किसी ऐसे मेरी तरह के मुकर्रर से मुतासिर होना शुरू हो जाएं जो आपको ये करे कि ये अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है कि ये दीन जो आया है इस्लाम, ये पूरी दुनिया के ऊपर गालिब होगा और जो भी रेजिस्टेंस होगा हम उसको हटा देंगे, उसका हम मुकाबला करेंगे, इसके साथ वो जज्बा जिहाद पैदा किया जाता है। चुनाचे देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, वो साजिश कर रहे हैं, उनको साजिश करनी थी, वो इस वक्त गालिब पावर है। लेकिन मैं गुजारिश करूं, मैंने अपनी गुफ्तगू करने थी, उसके बाद आपकी तरफ प्लीज। नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूं आप ही से कि क्या सिर्फ जज्बे जिहाद पैदा करने से आ जाता है या उसके पीछे बहुत सारे माल और दौलत की भी जरूरत पड़ती है? देखिए, उनको जो दौलत मिली, इन लोगों को जो इस जज्बे से सरशार थे, उन्होंने इसको गनीमत जाना। उन्होंने सोचा कि बात यह है कि अग्यार भी दे रहे हैं तो हमारा तो मकसद वाजे है। ये लोग अभी तक नहीं लड़ रहे थे इसलिए कि इनके पास वो ताकत नहीं थी, वहां से ताकत आई और उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। ये जो हम बहुत ज्यादा बात करते हैं साजिश की, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बयान किया है वह मकरू, और उन्होंने फरेब किया, साजिश की, वह मकरुल्लाह, मकर अल्लाह, और अल्लाह ने भी चाल चली, खुफिया, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। मुसलमान के साथ अल्लाह है, हम गैरों की साजिश को इतना डिस्कस करते हैं, कौन सुन रहा है? हम गैरों को सुना रहे हैं,
सच्ची बात यह है कि हम अगर सच्चे मुसलमान हैं, अगर हम सही दीनदार हैं, हम बा अखलाक हैं, बा किरदार हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कायनात का मालिक हमारे साथ है, कोई आपका दुश्मन बाल बीका नहीं कर सकता। इस वक्त हम बेकिरदार हैं, इस वक्त हम दीन से हटे हुए हैं, इस वक्त हम अपने कुरान मजीद की दीन की आयात और अहादीस को गलत तरह से इस्तेमाल करके मैनिपुलेट करते हैं। हमारे यहाँ ये जो मजहबी ग्रोह हैं, इनमें क्या होता है, इसमें एक ग्रुप के कुछ लीडर्स होते हैं, वो उनको ब्रेन वॉश करते हैं। आप देखते हैं माहौल, उसमें वो एक ही बात सुनते हैं, किसी दूसरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। यही वजह है कि हमारे यहां मजहबी फिरके गिरोह बने हैं, कि हर गिरोह अपने लीडर की बात सुनता है, दूसरों को गुमराह समझता है। इसके नतीजे में ये मान लीजिए कि हमारे यहां बाज ऐसे ग्रुप भी अब बन गए हैं जो किसी की बात नहीं सुनते, वो ये समझते हैं कि बाकी सब गुमराह हैं या काफिर हैं, हमने जिहाद करना है, हमें ताकत मिलेगी, हमें लड़ना है, हमें लोगों को मारना है। और फिर वो मिसालें वो देते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट से हटी भी होती हैं। जाहिर है कि दौरे अव्वल में किताल हुआ, लोगों को मारा गया, लेकिन उसकी जो वजह है वो कुरान मजीद में बयान कर दी गई। यहाँ नैरेटिव है हमजा, जहां हमने इस नासूर को खत्म करना है और ज़र्ब अज़ब का जिसका हमने जिक्र किया, उसके साथ ही साथ हमें इस आइडियोलॉजी को भी खत्म करना है और ये वाजे करना है कि हमारा दीन एक ऐसा दीन है कि जो अमन सुलह आश्ती का दीन है। इसमें दूसरे के ऊपर हाथ उठाना और बाय फोर्स दीन को फैलाना और नाफिज करना, इसकी कोई गुंजाइश नहीं, ना ये हमारे पे फर्ज है और ना ये हमारा कोई दीनी फरीजा है। नाजायज है। ज़र्ब अज़ब तो हमने उधर आपस में बंदूक के साथ लड़ी, एक ज़र्बे अज़्म हमें कलम के साथ भी लड़ना पड़ेगा। वो दिमागों को आपको साफ करने होंगे, ज़हनों को साफ करने। आप सांप के बच्चों को मार रहे हैं, लेकिन उस सांप की माँ जिंदा है, वो बच्चे दिए जाते हैं, फिर पैदा हो जाएंगे। सॉरी टू से, हमने कुछ लोगों को मारा, कुछ को भगा दिया, बहुत सारे अंडरग्राउंड चले गए और बहुत सारे नए परवान चढ़ रहे हैं। लिहाजा जब तक आप उस आइडियोलॉजी को हिट नहीं करेंगे, रिगार्डलेस के कौन किस तबके से, कौन किस तबके से, जब तक आप उस आइडियोलॉजी को, नजरियात को काउंटर नरेशन नहीं देंगे, उस वक्त तक आप पाकिस्तान से टेररिज्म दब गया है लेकिन खत्म नहीं कर सकते। एक आयत को लेके सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ सकते इसको, आपको आइडियोलॉजिकली भी दिमागना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक नुक्ता दूंगा डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर मुसलमान फरजंदे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला को समझ ले, सबसे बड़ा इस टेररिज्म के खिलाफ जो मुहाज बन सकता है वो करबला को समझने में बन सकता है। फरजंदे रसूल से जब किसी ने पूछा था कि इमाम हुसैन आप क्यों जा रहे हैं इस तरह से, आप जानते नहीं है कूफा वालों ने या शाम वालों ने क्या किया आपके वालिद के साथ या सबके साथ, आप जानते नहीं? बोला हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मैं निकला हूं अपनी नाना की उम्मत की इसलाह के लिए। तमाम पॉइंट, तमाम चीजें, जो जो बुनियादी नुकते थे, जो हकूक थे इंसानियत के, वो हुसैन व करबला में बता रहे थे। जो आखिरी खुतबा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला में, अगर दुनिया से, मैं कहता हूं तमाम दुनिया से बगैर किसी मजहब मसलक के, अगर तमाम दुनिया को अमन सुकून चाहिए तो करबला को और करबला की तालीमात को आम करना पड़ेगा, क्योंकि जनाब नबी मुकर्रम की जो तालीमात, जिस तरह मौला हुसैन ने कहा है कि मैं अपनी नाना की उम्मत की इसलाह के लिए निकला हूं, उससे बेहतर दर्स हो ही नहीं सकता। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये, एक और मिसाल मैं दूंगा आपको। मैं जनाब खत्मी मर्तबत ने अपनी जिंदगी में नबी मुकर्रम ने अलैहिस्सलाम ने जो सबसे बड़ी अपने आपकी अपनी फतह करार, जिसे फतह मुबीन करार दिया गया, वो सुलह हुदैबिया को दिया गया, किसी गजवे को नहीं दिया। इतनी बड़ी आपने सुलह हुदैबिया में सुलह की है, उस सुलह को अल्लाह ने पसंद करके फतेह मुबीन करार दिया। वो क्या कुछ नबी मुकर्रम को के सामने शर्तें उन्होंने बेजा शर्तें रखी थी, बोला इस इंसानी खून के बहने से बेहतर है कि मैं ये शर्त कबूल कर लूं। क्यों? कि जब इस जमीन पर इंसान का खून ना खून बहता है तो जनाब आसमान से बरकतें नाजिल नहीं होंगी। जब तक ना हो ना खून इस जमीन पे गिरेगा, अल्लाह आसमान से बरकतें नाजिल करेगा ना ये जमीन आपको नेमतें देगी, क्योंकि खून नाहक गिर रहा है जमीन पे। इसलिए खुदा का वास्ता है, हमारे हुक्मरान भी समझे कि खून नाहक जमीन पे ना बहे। और ये यही प्रचार सर, अगर हम आते हैं इंसानी बुराई, क्योंकि इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ एनजीओज होती हैं जो इंसानियत का नाम लेके ही पैसा भी कमाती हैं और इंसानियत को वो बेचते हैं, बेसिकली फॉर ऑब्वियस रीजंस, मटेरियल गेन्स।
तो क्या सर कहीं पे ये भी हुआ कि जो जैसा जमील साहब ने कहा कि ये प्रॉक्सी वॉर्स हैं सर, कि ऊपर के जो एशलॉन्स हैं, ऊपर की जो कमांड है वो तो प्रॉक्सी वॉर नाफिज कर रही है, लेकिन नीचे सर जो फॉलोअर्स होते हैं वो कभी कभी मैनिपुलेट हो जाते हैं। मियां मैं एक बात बताऊं आपको कि अंसार बनी ट्रस्ट ने इन 34 सालों में कभी गैर मुल्की इमदाद नहीं ली, माशाल्लाह कभी नहीं ली। उसकी वजह बताऊं, आप जकात निकालते हो आपको निकालनी है, आप अंसार बनी ट्रस्ट को भेजते हो आपको भेजनी है, मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहे आप अल्लाह को दे रहे हो, बल्कि मुझ पे जिम्मेदारी आयद कर रहे हो कि मैं उसको सही मुकाम तक पहुंचा दूं, मुझे अमीन बनाया आपने, ठीक है जी। लेकिन जब बाहर से इमदाद आती है आपको तो शुरू में तो शरायत नहीं आती, उसके बाद कुछ शरायत भी आती है, तो जो लोग उनकी खुशनुदी के लिए काम कर रहे हैं, मेरी रजा यह है कि मैं उस रहमतुल्लिल आलमीन, मुझसे किसी ने कहा अल्लाह आप जन्नत कमा रहे हैं, मैंने कह मैं जन्नत नहीं कमाना चाहता, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में जगह कमाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, मेरी जिंदगी वहां खत्म हो, वहीं से शुरू हो और वहीं खत्म हो जाए जाके, कि जन्नत वही कदम तो लेके जाएंगे, जन्नत तो उसी रास्ते से जाएगी ना, तो वो रास्ता अगर मैंने पा लिया तो सब कुछ पा लिया। तो बात इतनी सी है कि अगर हम ये तय कर लें कि हमारा जीना मरना अपनी इंसानियत इंसानी हकूक के साथ साथ अपने मुल्क और अपने कौम के लिए भी, तो मेरा ख्याल ये कि कोई हमें खरीद नहीं सकता। और मैं ये कहता हूं कि मेरे खून का कतरा कतरा इस मिट्टी के जर्रे जर्रे का मकरूज है। और सर जमील साहब आपकी तरफ आऊंगा मैं, कि जो लोग हमें फॉर एग्जांपल मैनिपुलेट करते हैं या करना चाहते हैं, अब उनको ये बात पता है कि मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा मुकद्दस आइडियोलॉजी जो है वो उनका मजहब, मतलब मैं आज बर्मिला कहता हूं कि मैं सबसे पहले मुसलमान हूं फिर मैं पाकिस्तानी, बल्कि मेरे मुसलमान होने का तकाजा यह है कि मैं अपने मुल्क के साथ जो इस्लाम के नाम पे बना मोहब्बत करूं। शायद अगर मैं आज पैदा हुआ होता स्वीडन के अंदर तो मेरी मुल्क के साथ वो एफिलिएशन होती जो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, कि मुल्क मुझे फायदा दे रहा है, मेरे पास पासपोर्ट है, राइट्स हैं। सिर्फ पाकिस्तान में हमारे रहने की तो आइडियोलॉजी यही है कि हम पहले मुसलमान हैं, इसलिए इस मुल्क की खिदमत करना हमारा फर्ज है, क्योंकि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी की तरह है ये जो मुल्क है। सर अब ये बात दुश्मन को भी पता कि इनके लिए सबसे ज्यादा मुकद्दस इनका मजहब है, तो सर शायद वो हमारी सबसे मुकद्दस आइडियोलॉजी के अंदर से ही हमें मैनिपुलेट करते हैं। देखिए बताऊं कि जो दुश्मन है ना वो बड़ा होशियार है। जब इस्लाम मदीना मुनव्वरा पहुंचा, पहली इस्लामी फलाही रियासत कायम हुई, यहाँ पर जो बनू कुरैज़ा, बनू कैनका और बनू नुज़ैर के लोग थे, उन्होंने मक्का वालों को जाके कॉन्स्पिरेसी की कि हम तुम्हें फंडिंग करते हैं, तुम लड़ो। गज़वा अहज़ाब की एक सूरत पेश आई, फिर उन्होंने पैसे लेके मुनाफिकीन पैदा किए, फिर मुसलमान मजीद स्ट्रांग हुए तो दौरे उस्मान में फिर खारजी पैसे लेकर लाए गए, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप ये देखा होगा कि फिर वाकया करबला हुआ। वाकया करबला के बाद अगर आप गौर व फिक्र करें तो इस्लाम मदीना मुनव्वरा से तालीमी लिहाज से शिफ्ट होकर कूफा में आ गया। हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम तशरीफ लाए तो सारे इस्लाम की तालीमात यहाँ पर आई, अहादीस और ये सारा फन, तो वहां पर बाकायदा फिर इन्वेडिंग की गई और बगदाद को बार बार किया गया। उसके बाद फिर इस्लाम का जो तीसरा स्टेशन वो समरकंद और बुखारा बना। इमाम बुखारी उठे, इमाम तिरमिजी उठे, कई अइम्मा इकराम आपके सिहाए सित्ता के और दीगर कुतुब अहादीस के और रिवायात के सारे आपको उज़्बेकिस्तान, समरकंद, बुखारा से मिलते हैं। अब इस्लाम का जो चौथा स्टेशन है सबसे बड़ा, मैं बर्मा ये कहूंगा कि वो आज पाकिस्तान है। बिल्कुल, लिहाजा वो दुश्मन ये चाहता है, जो इस्लाम का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है, वो ये चाहता है कि चूंकि इस पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी के नाम पर आश्रित, एक तो हिजरत वो हुई थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी इस्लाम की खातिर, और उसके बाद जो दूसरी हिजरत हुई है इस्लाम की खातिर वो ये थी, पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान पहला दूसरा इस्लामी फलाही रियासत है मदीना मुनव्वरा के बाद। पाकिस्तान के स्कॉलर्स पर तो बड़ी भारी जिम्मेदारी है सर। लिहाजा पाकिस्तान के स्कॉलर्स पर ही जिम्मेदार है, पाकिस्तान के दरसगाहों के असातिज़ा पर भी जिम्मेदार है, पाकिस्तान के एंकर्स पर भी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान के आम आदमी पर भी जिम्मेदारी है कि ये जो आइडियोलॉजिकल कंट्री हमें मिला है, और बहादुर पाक अफवाज पर भी जिम्मेदारी है। और यकीन जानिए अगर पाक अफवाज ना होती तो आज आपने सही कहा, हम यहाँ क्या अपने घर में ही मौजूद नहीं थे, पाकिस्तानी भाग रहा था यहाँ, पाकिस्तान छोड़ रहा था पाकिस्तान का, वो बल्कि एक नारा भी हो गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, कि जान बचा और भाग जा।
ये भी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था, ठीक है ना, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर, पाकिस्तान का मतलब तो नहीं, पाकिस्तान का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की मकसदियत के लिए वाहिद मुल्क है जो आज इस कुर्रे अर्जी पर मौजूद है, और जो इस्लाम के नाम पर आज एग्जिस्ट करते हैं वो तो काफिरों के सामने लेटे हुए, हम तो कभी कभार खड़े हो जाते हैं, कभी पीठ भी फैले, वो तो लेटे हुए, पुलिसिंग स्टेट है ये पाकिस्तान है, यहां पर जैसी भी है लूली लंगड़ी जमहूरियत भी है, इस्लाम का नाम भी लिया जाता है, इस्लाम को प्रैक्टिस भी किया जाता है, यहां पर दर्स गाएं भी हैं, यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द ओनली इस्लामिक कंट्री विच हैज द एटॉमिक बम, तो ये जो इस आइडियोलॉजिकल कंट्री ये मजबूत भी हो रहा है, लिहाजा अब मुख्तलिफ प्रॉक्सीज के जरिए इस्लाम पर हमला किया जा रहा है, इस्लाम पर, बाद में इंसान मर रहा है, मुसलमान मर रहा है, पहले इस्लाम पर हमला है। सर आइडियोलॉजिकल बेसिस खत्म करना तो हमारी जिम्मेदारी है। अब ये देखें, अब पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, इसलिए कि नो डाउट इस्लाम यूरोप में ही फैल रहा है, इस्लाम अमेरिका में ही फैल रहा है, इस्लाम को किस तरह रोका जाए, इस्लाम को किस तरह डिक्लेयर किया जाए, हेटेड किस तरह खराब करने की कोशिश, उसकी शक्ल ये कि कोई भी एक इंडिविजुअल खड़ा किया जाता है, वो जाकर कभी किसी क्लब पर हमला करता है, कभी कहीं और बम मारता है, कहीं और कभी पेरिस में जाकर, उसका रिएक्शन क्या होता है कि पीपल स्टार्ट टू हेट द मुस्लिम्स एंड इस्लाम, ठीक है ना, तो इस्लाम से नफरत दिलवाने, इसलिए कि अगर हम एक्सेप्ट करते कि हमने किया है उस वक्त जब हमें फायदा होता, हमें फाइनेंशियल फायदा होता, हमें 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 तो नुकसान हो रहा है, हमारे इस्लाम को फायदा होता, लिहाजा हमें नुकसान हो रहा है, लिहाजा हम कंडम करते हैं उस अमल को जो उसने वहां पर और नेल्डो में किया, उस अमल को जो पेरिस में किया गया, और उस अमल को जो पिछले 20 सालों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आज ईरान में और शाम में और यमन में किया जा रहा है, हम उन सारे अमल को कंडम करते हैं, वायलेंस को, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी हो, अलग एनेक से नहीं देख सकते और नेल्डो को, हमारे पास एक ही इंसान तो इंसान होता है, चाहे वो दुनिया के किसी से, आपसे अर्ज करूंगा मैं, छोटी सी बात है, ये किसी फिलोसफर ने ये बात कही थी कि उस कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता जिस कौम के दो सुतून करप्ट हो जाए, एक उल्मा एक असातजा, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क में ये दोनों सुतून अभी तक बचे हुए हैं, इसलिए हम बहुत बड़ी बुराइयों से अभी भी बच रहे हैं, इंशाल्लाह सर, और या मैं तारीफ करता चलूं, या मैं तारीफ करता चलूं एंड पे भी हमारे वो जवाब पे आ रहे हैं हम लोग, दो मिनट दीजिएगा, ऊपर से कह रहा हूं मैं अपने उलमाए इकराम की हम अक्सर तनकीद तो करते हैं, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम अपने उलमा इकराम की तारीफ मैं करूं, उनको खराज तहसीन पेश करूं, उनको शुक्रिया अदा करूं, जैसे मैं पता होगा कि 40 जय्यद उलमा पाकिस्तान के तमाम जिनका फिकहों से ताल्लुक है, उन्होंने एक यूनानिमस फतवा दिया है कि गैरत के नाम पर कत्ल जो है वो इस्लामी तौर पर एक अनफॉरगिवेबल क्राइम है, और एक मेच्योर खातून जो बालिग हैं उनको इख्तियार है कि वो इज्जत से अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं, और गैरत का नतल एक क्राइम, ये हमारे उल्मा ने हमें शुक्रिया भी करते हैं, वी आर ग्रेटफुल टू यू एंड थैंक यू सो मच। और सर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी पहले गजबे में, जी जी दीजिए इनको, आ गया, दीजिए दीजिए दीजिए, 55 इयर्स, नो पीछे दीजिए, दो दो, दो, दो. दे दो काविश 55, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शायद मुझे आवाज नहीं, 55 का आपने, 55 का आपने, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, 55 एज थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपका नाम क्या है, हाँ क्या, जीशान को हम आज की तरफ से देते हैं अपनी एक बाइक, और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज। रमजान हमारा।